हाँ, तो विद्यार्थियों सुप्रभात, आप सभी को स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में। जैसा आप लोगों को ज्ञात था और हम लोगों ने कल रात को व्हाट्सएप जो हमारी ग्रुप है DFHT की एक अलग से, उसके मैंने आप लोगों को बताया भी था और मेल के द्वारा भी आप लोगों को पता ही है कि आज का जो विषय है, आज की जो कक्षा है, वो आप लोगों के DFHT कोर्स के अंतर्गत जो सातवां पेपर है पत्रकारिता, उससे जुड़ी हुई है। और इस विषय को पढ़ाने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर मेरे बहुत अच्छे मित्र, मैं बात करूं तो अमन कुमार आकाश, जो हिंदी को बहुत बेहतर ढंग से, या कहूँगा सोशल मीडिया के ढंग से आज के जनरेशन में बहुत अच्छी तरह से आगे लग रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे अहिंदी भाषी लोग भी हिंदी को प्यार करने लगे हैं, हिंदी में पढ़ने लिखने लगे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बता दूं कि अमन कुमार आकाश जी वर्तमान में सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, जिन विश्वविद्यालय में आया था उसमें कार्यरत है। तो मैं अमन कुमार आकाश अपने विश्वविद्यालय को से आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कक्षा में, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अभिषेक सर आपका, और मैं एक बार फिर से आभारी हूँ अभिषेक सर का, देवाशीष सर का, जो लगातार मुझे इस क्लास के लिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे स्थान दिया अपनी बातों को रखने के लिए और जनसंचार के छात्रों से बातचीत करने के लिए। चूंकि पत्रकारिता मेरा मूल विषय रहा है, मेरा ग्रेजुएशन स्नातक और उसके बाद परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल वगैरह सब कुछ पत्रकारिता से ही है। अभी मैंने नेट क्लियर किया है इससे पहले, और अभी मैं जिंद में ज्वाइन कर चुका हूँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में जिंद हरियाणा में। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फिलहाल सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपने अपने घरों पर बने रहिए। ये जो समय है ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित रखने का दौर है इस वक्त में, और इससे हम बहुत जल्दी निपटेंगे। ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये जो जिस तरीके का आपदा है, महामारी है, उससे हम बहुत जल्दी निपटेंगे। और इन सारी चीजों में अभी जो आप देख रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा योगदान कोई निभा रही है सरकार के साथ साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ, कोरोना फाइटर्स के साथ साथ, तो वो है पत्रकार बंधु। इसलिए पत्रकारिता कितना जरूरी हो जाता है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, या जितने सारे लोग जो इस समाज का अंग हैं उसके लिए पत्रकारिता को जानना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आप लोग भली भांति समझते होंगे क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए छात्र हैं। अगर आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आए, अगर कई बार लगे कि मैं ज्यादा क्लिष्ट बोल जा रहा हूँ, तो बीच में आप कुछ मैसेज कर दीजिएगा या फिर कोई ऐसा रिप्लाई दे दीजिएगा जिसको बाद में फिर सुधारा जा सके। आप लोग 1 मिनट, आप लोग डिप्लोमा के तहत ये पढ़ रहे हैं पत्रकारिता, हमारा जो चैप्टर है हमारे पूरे किताब में पत्रकारिता के 6 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम 3 इकाई पे बात करेंगे। पहली इकाई है पत्रकारिता अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र, दूसरी इकाई है पत्रकारिता कार्य, सिद्धांत एवं प्रकार, और तीसरी इकाई है समाचार, अर्थ, परिभाषा एवं तत्व। आज 3 इकाई पे, 3 महत्वपूर्ण इकाई पत्रकारिता की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, भारत में किस तरीके से पत्रकारिता की नींव डाली जाती है हमारे देश में और ये कितना सफल होता है, उसके बाद कैसे कैसे पत्रकारिता में बदलाव आता है, उसके क्या बहुत सारे हमारे विद्वानों ने पत्रकारिता की परिभाषा बताई है, उसके अर्थ को और ज्यादा व्यापक किया है, पत्रकारिता के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके बारे में इन अध्यायों में बताया है, उसके बाद क्या सिद्धांत हैं, क्या कार्य हैं और कितने प्रकार होते हैं पत्रकारिता के, इसके बारे में भी दूसरे इकाई में चर्चा की गई है। हमारा जो तीसरा इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई, वो है समाचार, अर्थ, परिभाषा एवं तत्व। हमारे आसपास बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारी सूचनाएं, हम सूचनाओं के युग में जी रहे हैं। हमारे आसपास इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, इतनी बदलाव आती है चीजों में, हमारे वातावरण में इतना बदलाव आता है, उनमें इन तमाम सूचनाओं में, इन जो सूचनाओं का जो ढेर है उसमें से क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्या हमारे सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्या हमारे पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, एक बड़े से समूह के लिए महत्वपूर्ण होता है, उससे समाचार जैसी चीजें निकल कर आती हैं। समाचार एक बड़ा वर्ग जिससे प्रभावित हो, उससे सूचना और समाचार में यही फर्क हो जाता है कि सूचना आपको व्यक्तिगत रूप से कोई सूचना प्रभावित कर सकती है,
लेकिन एक जो समाचार होता है वो व्यक्ति को प्रभावित, एक पूरे मास को प्रभावित करता है। तो आगे हम तीसरे इकाई में भी जानेंगे समाचार के क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, और कौन से ऐसे तत्व हैं जो मिलकर समाचार का निर्माण करते हैं, जो मिलकर समाचार को बनाते हैं। चलिए पहले हम पत्रकारिता से शुरुआत करते हैं। पहली जो हमारी इकाई है उसमें पत्रकारिता का सामान्य परिचय है, पत्रकारिता और पत्रकार को लेकर बातचीत की गई है, कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र पर चर्चा की गई है, और उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग करेंगे, और नहीं समझ में आए तो फिर कल की क्लास में चर्चा की जाएगी। हम मनुष्य हैं, हमने इस जगह पर, इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। हमारे खाने की इच्छा के साथ साथ, पीने की इच्छा के साथ साथ, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। खाने की इच्छा, कुछ नया पहनने की इच्छा, कुछ नया जानने की इच्छा, ये जो हमारी जिज्ञासा है, ये जो जानने की इच्छा है, जिस तरह से खाने की इच्छा हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, जिस तरह से कुछ पीने की इच्छा हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, उसी तरह मनुष्य की जो जानने की इच्छा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। जब हम कई बार घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, तो अपना कोई परिचित मिल गया या फिर कोई ऐसे लोग मिल गए जिससे हम पूर्व परिचित हैं, जिनसे हमारी बातचीत है, उनसे हम जानते हैं कि आप कैसे हैं, उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि आप कैसे हैं, कोई कुछ घट तो नहीं रहा है जीवन में, बहुत सारी नॉर्मल ऐसे फॉर्मली भी बातें होती हैं, कुछ नया हो तो बताइए। ये जो हमारे जानने की इच्छा है, ये कई स्तर पे होती है, व्यक्तिगत स्तर पे होती है, सामाजिक स्तर पे होती है, राष्ट्रीय स्तर पे होती है। जिज्ञासा हमारी बढ़ती जाती है, और इसी जिज्ञासा, ये जो मूल है, इसी जिज्ञासा से जन्म होता है पत्रकारिता का, और पत्रकारिता हमारी जिज्ञासा को शांत करती है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने की इच्छा शांत होती है, जिस तरीके से हम पानी पीते हैं तो हमारे पीने की इच्छा शांत होती है, उसी तरीके से जब हम किसी चीज को जानते हैं, जब किसी चीज के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे जो जानने की इच्छा है, जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं, वो शांत होती है। और इन्हीं सारी चीजों को, इस मनुष्य के जिज्ञासा को शांत करने की जो वृत्ति बनाई गई है, जो एक सेवा का भाव है, उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता की शुरुआत इसलिए हुई थी कि मनुष्य की जिज्ञासाएं शांत हो। भारत में पत्रकारिता का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना, तो हम अगर इतिहासों के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से देखें तो 200 वर्ष पुराना है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी चीजें रही होंगी, ताम्रपत्र लिखे जाते थे, शिलालेख लिखे जाते थे, अभी भी किसी जगह पर अगर ऐतिहासिक जगहों पर खुदाई होती है तो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिसमें बहुत तरीके से संदेश लिखे गए होते हैं, वो भी पत्रकारिता का एक स्वरूप हुआ करता था। अगर हम भारत में, भारत की जो ऐतिहासिक जगह है, चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाएं हो जाए, भीमबेटका की पहाड़ियां हो जाए, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण हैं, उन जगहों को अगर हम देखें तो उनके दीवारों पे हमें भित्ति चित्र मिलते हैं, कुछ पेंटिंग्स मिलती है, वो सब भी पत्रकारिता का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि उसके बारे में जो लिखित जानकारी है उसके हिसाब से हम बातचीत करते हैं, इतिहास के बारे में हमने अनुमान लगाकर चीजों को जानना और समझना शुरू किया है, वो सब भी पत्रकारिता का एक हिस्सा था। लोग अपना मैसेज, जो अपनी जिज्ञासा थी, उसको भित्ति चित्र के माध्यम से शांत करते थे। पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी केव्स पर, गुफाओं में, उसके माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते थे। तो धीरे धीरे चीजें बदलती गई। उसके बाद फिर हमारे पास, पहले तो हम उस पर लिखते थे, दीवारों पे बनाते थे चित्र, उसके बाद चीजें बदलती गई बदलती गई, हमारे पास प्रिंट आया, हमने लिखना शुरू किया, पत्तों पे लिखना शुरू किया, वृक्ष की छालों पे लिखना शुरू किया, दीवारों पे लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे तकनीक का बढ़ोतरी होती गई, तकनीक हमारे जीवन में जुड़ता गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, रेडियो आए, टेलीविजन आया, और अब का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है। अभी हम देखिए कि इस युग में अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, पिछले 2 महीने से सारी इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, कहीं भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ तकनीक की वजह से, ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हम आज क्लास ले पा रहे हैं और हम आज एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। यही पत्रकारिता का एक हिस्सा है, पत्रकारिता का एक अंग है। इस नोट्स के हिसाब से पत्रकारिता का जो सामान्य परिचय है कि मानव जीवन में पत्रकारिता अपने महत्वपूर्ण स्थान और उच्च आदर्शों के पालन के लिए सदैव अपनी पहचान बनाती आ रही है। भारत में पत्रकारिता का इतिहास लगभग 200 वर्षों का है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था
उस समय हमारे पास इतने सारे माध्यम नहीं थे कि इतने जो हमारे देश पूरे इतना बड़ा देश था लेकिन लोगों को जोड़ने के माध्यम नहीं थे कि सबको एक एक सूत्र में कैसे बांधा जाए। उस समय हमारे पास प्रिंट मीडिया इतना समृद्ध नहीं था, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खैर थी नहीं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच भी उतनी नहीं थी, हमारे देश में लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि इस तरीके से जुड़ पाते। तो कैसे लोग महात्मा गांधी जी हमारे वर्धा में बैठकर, वर्धा में 10 साल रहे, वो वहां बैठकर पूरे देश को कैसे उन्होंने एक सूत्र में बांधा। पहले लोग भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, वहां बातचीत होती थी, गांधी जी फिर चंपारण आए, वहां पर नील की जो खेती होती थी इसके लिए उस जगह पे उनको आना पड़ा, और इस तरीके से चीजों को एक सूत्र में बांधा जाता था। जो समाज के साहित्यकार लोग थे, जो कवि लोग थे या जो लेखक लोग थे, जो बहुत संवेदनशील थे, जिनको एक सामाजिक समझ थी, जिनको लग रहा था कि नहीं, हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों के साथ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और इसके विरोध में आवाज उठाने के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया, अपनी आवाज बुलंद करने शुरू की, लोगों तक अपनी बातचीत को पहुंचाया, और यहीं से पत्रकारिता की नींव पड़ी। यहीं से भारत में 200 वर्ष पुरानी पत्रकारिता का जो हमारा इतिहास है वो भारत में सिर्फ और सिर्फ उसकी नींव इसलिए डाली गई थी ताकि हमारे जो देशवासी हैं उसमें चेतना का प्रसार हो, उसमें एक स्वतंत्र होने की भावना का प्रसार हो, वो उनको लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो एक सूत्र में बने। आज पत्रकारिता हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, हम सुबह सुबह उठते हैं तो ब्रश करते करते टेलीविजन पे न्यूज देखते हैं, या फिर सुबह उठते हैं तो कई लोगों की आदत होती है कि बिना अखबार पढ़े वो चाय नहीं पीते हैं, या फिर बिना अखबार पढ़े वो फ्रेश नहीं होते हैं। तो देखिए कैसे हमारा सुबह उठते के साथ ही हमारा पत्रकारिता से कैसे जुड़ाव हो जाता है, और रात को सोते समय तक भी हम व्हाट्सएप पे एक एक मैसेज को चेक करते हैं, अपना मेल चेक करते हैं। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में पत्रकारिता कैसे कैसे घुसता जा रहा है, कैसे कैसे वो जगह बनाता जा रहा है, कैसे कैसे हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही है, हमारी जो जानने की इच्छा है वो बढ़ती जा रही है, और पत्रकारिता के जो विभिन्न माध्यम है, चाहे वो मुद्रित माध्यम है जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे वो सोशल माध्यम हो, कैसे हमारी जिज्ञासाओं को शांत करता है। सुबह होते ही हमें अखबार की आवश्यकता होती है, फिर सारे दिन रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार प्राप्त करते रहते हैं। साथ ही साथ रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया सुबह से लेकर रात तक हमारे मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य कई जानकारियों से परिचित करवाते हैं। पत्रकारिता का ये सब सामान्य परिचय, ये सामान्य बातें हैं कि सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं होता है टेलीविजन के माध्यम से, या फिर रेडियो के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, हम एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं, उससे शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। जिस टर्म को इंफोटेनमेंट का भी नाम दिया गया है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम एंटरटेनमेंट करते हैं, इस टर्म को इंफोटेनमेंट कहा जाता है पत्रकारिता की भाषा में। और अगर हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन ग्रहण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इस टर्म को एजुटेनमेंट का नाम दिया गया है। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू एजुटेनमेंट, मतलब हम एंटरटेनमेंट तो कर ही रहे हैं साथ साथ एजुकेशन भी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारे माध्यम जो हैं, हमारे जितने भी माध्यम हमारे आसपास जुड़े हुए हैं, ये सब पत्रकारिता के माध्यम हैं। पत्रकारिता का क्या अर्थ है? अपने रोजमर्रा के जीवन की स्थिति के बारे में थोड़ा गौर कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं तो कभी बाजार में, कभी राह चलते, कभी एक दूसरों के घरों पर रोज मिलते हैं। आपस में जब बातचीत होती है तो उनका पहला सवाल होता है कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या समाचार है। ये रोजमर्रा की बातें सहज हम किसी से बातचीत करते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा सा मूल में इसके जाकर देखें तो आखिर हम क्यों पूछते हैं सामने वाले से इस तरह के प्रश्न हम क्यों करते हैं? तो इसके मूल में एक चीज है, वो है हमारी जिज्ञासा, वो है हमारा नया और जो ताजा समाचार है उसको जानने की हमारी इच्छा। हम पिछले कुछ घंटों में या फिर पिछले कुछ दिनों में उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, किस तरीके से उनकी दिनचर्या में परिवर्तन आया है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, और इसी को कहा जाता है जिज्ञासा। ये हम किसी के साथ कर सकते हैं, ये हमारे फेसबुक फ्रेंड हो सकते हैं, ये हमारे सहकर्मी जो हमारे साथ काम करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर हमारे परिजन हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो मनुष्य की जो जिज्ञासा की भाव होती है, जिज्ञासा की जानने की जो प्रबल इच्छा होती है, यहीं से पत्रकारिता की शुरुआत होती है, यहीं से पत्रकारिता की नींव डलती है। अब ये तो हो गई एक व्यक्तिगत तौर की जिज्ञासा कि हमने अपने दोस्त से पूछ लिया, उसके बाद हमें अपने पास
आस पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी लेने की इच्छा लगातार होती रहती है। और इसी सब को जब हम एक व्यापक रूप दे देते हैं, एक बहुत विस्तृत दायरे में बांध देते हैं, वहां से पत्रकारिता की शुरुआत होती है। आप सब लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, लगातार जुड़े होंगे आप प्रिंट मीडिया से। अभी हम कोरोना काल में जी रहे हैं, कोरोना का यह जो कहर है, ये पूरे वैश्विक महामारी बन गया है, ये पैंडेमिक हो गया है। इस टाइम में हम एक हमारी जिज्ञासा होती है कि कौन सा देश किस हालात में है, कहाँ कितनी मेडिकल सुविधाएं किसको कितनी दी जा रही हैं, कहाँ किस इस कोरोना पे जो वैक्सीन बन रहा है वो कहाँ तक पहुंचा है इसका प्रयोग, जो मजदूर लगातार पैदल चलकर अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं उनके क्या हालात हैं, किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं वो, किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, ये बहुत सारी चिंताएं हैं हमारी, ये बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। इन सारी जिज्ञासाओं को शांत करता है तो वो है पत्रकारिता, चाहे वो जो भी माध्यम हो, आपके अपने सुविधा के हिसाब से। अगर आपको प्रिंट मीडिया में रुचि है, अगर आपको पढ़ने में रुचि है तो वो है मुद्रित माध्यम, अगर आप टीवी देखने में रुचि रखते हैं तो आपको न्यूज चैनल से सारी जानकारियां मिल जाती हैं, और नहीं अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, बहुत ज्यादा अपने अपने आप को तकनीकी रूप से ढाल लिया है सोसाइटी में, तो आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारे माध्यम है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अन्य अन्य प्रकार हैं जिससे आपको लगातार जानकारियां मिलती रहती है और तुरंत मिलती रहती है। पहले ऐसा होता था कि आज से कुछ साल पीछे हम चले जाएं, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 10 साल पीछे ही है, अगर हम चले जाएं तो देखें कि पहले मैट्रिक का रिजल्ट आता था तो उस समय हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, या फिर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में वो इंटरनेट हमारे गांव में नहीं पहुंचा था, तो एक दिन हमें इंतजार करना पड़ता था कि अगले दिन अखबार में हमारा रोल नंबर आएगा, और उस हिसाब से फिर रिजल्ट हम अगले दिन अखबार का इतना इंतजार करते थे कि अगले दिन न्यूज़पेपर आएगा, अखबार न्यूज़पेपर आएगा, और उसमें अपना हम रोल नंबर खोजते थे कलम लेकर कि हाँ किस डिवीजन में मेरा नंबर है, फर्स्ट में है, सेकेंड में है या थर्ड में, तब जाके हमें जानकारियां मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें अपडेट होने लगती, अब हमारे पास मोबाइल है, अब हमारे पास इंटरनेट है, अब जैसे ही रिजल्ट आता है, समझ में आ रही ना आप लोगों को चीजें, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो बीच बीच में फीडबैक देते रहिएगा, तो फिर मुझे लगेगा कि ये जो द्वि तरफा संवाद होता रहता है तो अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ कुछ सफल बातचीत हो पा रही है। आज हम इतने अपडेट हो गए हैं पत्रकारिता को लेकर, सूचनाओं को लेकर, कि जैसे ही रिजल्ट आता है या फिर जैसे ही कोई घटना घटती है वो चुटकी में हमारे पास सारी चीजें पहुंच जाती हैं। रिजल्ट आया, हम वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड हो गया, हमने अपना रोल नंबर डाला, रोल कोड डाला और हमारा रिजल्ट सामने आ जाता। अब हमें एक दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता, पहले जैसे कई सारी घटनाओं के बारे में जानने के लिए अगले दिन के अखबार का हम इंतजार करते थे, न्यूज़पेपर का इंतजार करते थे कि समाचार पत्र आएगा तब हमें जानकारियां मिलेंगी, 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जल्दी से चीजें मिल जाती हैं और सोशल मीडिया से जल्दी चीजें मिल जाती हैं। जैसे दिल्ली में भूकंप आया, भूकंप आने के विदिन 5 और 10 सेकेंड्स फेसबुक पे चीजें अपडेट होनी शुरू हो गई कि दिल्ली में भूकंप का झटका आया था, या फिर कोरोना को लेकर लगातार आंकड़े अपडेट हो रहे हैं इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया पे। तो ये देखिए पत्रकारिता का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन को बदलने में, हमारी हमारी जो दिनचर्या है उसको बदलने में पत्रकारिता का कितना बड़ा योगदान है। आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, आप लोग पत्रकारिता को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समझेंगे इसकी गंभीरता को, इसकी नैतिकता को समझेंगे, और फिर आगे चलकर उम्मीद है कि जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या फिर पत्रकारिता के फील्ड में हो, कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, व्यक्ति को, समाज को, देश दुनिया को प्रभावित करने वाली हर सूचना समाचार है, यानी कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार कहलाती है, या यूं कहें तो समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। जी हाँ, ये जो परिभाषा है कि समाचार बहुत जल्दी में लिखा गया इतिहास है, इतिहास जब लिखा जाता है तो उसके पीछे बहुत रिसर्च किए जाते हैं, बहुत गहन अध्ययन किया जाता है, बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद इतिहास लिखा जाता है, प्रमाणिक तौर पर इतिहास लिखा जाता है। लेकिन पत्रकारिता जो है वो जल्दीबाजी में लिखा गया इतिहास है, क्योंकि आज का जो समय है वो ब्रेकिंग का समय है, आज का जो समय है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचने का समय है। जब कोई दुर्घटना होती है तो कोई भी चैनल सबसे पहले क्या दावा पेश करता है कि सबसे पहले हमने आपको ये खबर पहुंचाई है,
ये ब्रेकिंग सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई है। तो आज पत्रकारिता को जो वो परिभाषा है वो सही नहीं, जल्दी में लिखा गया इतिहास के रूप में, इसको हम मान सकते हैं। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। जर्नलिज्म शब्द, आप सब जर्नलिज्म के छात्र हैं, जर्नलिज्म शब्द से परिचित होंगे। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिकी, दैनंदिनी या रोज नामचा। जब हम एक डायरी लिखते हैं, डायरी को दैनंदिनी कहा जाता है हिंदी में। तो डायरी जब हम लिखते हैं तो उसमें अपने डेली हमारे साथ जो घटना घटती है, हमारे हमारे साथ जो नित्य डेली डेली जो चीजें होती हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, उन सारी चीजों का हम वर्णन अपनी जो पर्सनल डायरी होती है उसमें करते हैं। उसी का एक रूप है जर्नल। जर्नल जो लिखा जाता है वो दैनिकी लिखा जाता है, जिसको रोज नामचा, और वो एक शब्द है जिसमें रोज नामचा हम कहते हैं, इसको दैनिकी कहा जाता है, दैनंदिनी कहा जाता है। तो आज जर्नल शब्द मैगजीन, समाचार पत्र, दैनिक अखबार का द्योतक हो गया है। जर्नल आज हम समाचार पत्र को कहते हैं, मैगजीन को कहते हैं, या फिर जो हमारे दैनिक अखबार आते हैं, टैबलॉइड्स आते हैं, ये सारी चीजें जर्नल हो गई हैं। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण, वितरण आदि होगा। अब जर्नलिज्म है वो बहुत बड़ा छाता है। उस छाते के अंदर जो पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने काम होते हैं वो सब जर्नलिज्म में आ जाता है। चाहे वो समाचार का संकलन हो, मतलब हम समाचार कहीं से इकट्ठा करते हैं, वो हो, समाचार का संपादन हो, उसकी एडिटिंग हो, उसको लिखना हो, उसको प्रस्तुत करना हो, चाहे अगर हम उसको टेलीविजन पे प्रस्तुत कर रहे हो, या फिर अखबार में लिख कर प्रस्तुत कर रहे हो, या उसका जो वितरण है, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका, ये सारी चीजें जर्नलिज्म के छाते में आ जाती हैं। पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा छाता है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सब। और पत्रकारिता के आज अनेक माध्यम भी हो गए हैं, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, वेब पत्रकारिता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इतने सारे माध्यम आपके आसपास हैं। आप पूरी तरीके से पत्रकारिता के माध्यम से बच नहीं सकते हैं। इतने सारे माध्यमों ने आपको घेर रखा है चारों ओर से कि आप इससे बच नहीं सकते। और एडिक्टेड भी हो जाते हैं लोग, सूचनाओं के एडिक्टेड हो जाते हैं, इंफोटेनमेंट के एडिक्टेड हो जाते हैं। अभी जो जो फेसबुक का एडिक्टेड है उसको किताबें पढ़ने में मजा नहीं आता होगा, क्योंकि फेसबुक हमारा पिक्चर से प्रेजेंटेशन देता है, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होता है फेसबुक का। फेसबुक पे चीजें पिक्चर के माध्यम से भी होती हैं, फेसबुक पे गीत भी होते हैं, टोन्स ट्यून्स भी होते हैं, फेसबुक पे आप तुरंत अपनी प्रतिक्रिया भी दे पाते हैं। तो इस तरह की चीजें किताबों में नहीं हो पाती है। किताबों में आपका एक तरफा वो होता है, एक तरफा बातचीत होती है, एक तरफा संवाद होता है। फेसबुक पे आपने तुरंत जवाब दिया, उसका रिप्लाई आया, तो ये जो बातचीत होती है इसकी वजह से हम एडिक्टेड होते जाते हैं फेसबुक या सोशल मीडिया के। एडिक्टेड हम सिर्फ इसलिए इस वजह से होते जाते हैं कि उसका जो प्रेजेंटेशन है उसमें पिक्चर भी होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हम लाइव कर सकते हैं। इस वजह से ये भी पत्रकारिता का एक माध्यम है, और जो हमेशा की तरह बदल रहा है। अब मोजो का जमाना आ गया है। अब चीजें मोजो आप सब लोग जानते होंगे, मोबाइल जर्नलिज्म। अब हर एक आदमी पत्रकार है, जिसके हाथ में सोशल मीडिया है, जिसके हाथ में इंटरनेट है, हर एक आदमी अपनी बातचीत सोसाइटी तक पहुंचा सकता है, हर एक आदमी अपनी बातचीत सत्ता तक पहुंचा सकता है। इसका माध्यम अब हो गया है सबके पास, अब सब आदमी अपने आप में पत्रकार है, जब से ये मोबाइल जर्नलिज्म का जमाना आया है। हिंदी में पत्रकारिता का अर्थ भी लगभग यही है, पत्र से पत्रकार। और पत्रकारिता पत्र शब्द था सबसे पहले, चूंकि हमारे पास प्रिंट मीडिया ही थे, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसी चीजें नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत नया आया हुआ है, रेडियो टेलीविजन बहुत पहले से इंडिया में नहीं है। इसके अभी तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां तक टेलीविजन, बिजली नहीं पहुंची है, तो टेलीविजन क्या पहुंचेगा। भारत के जो सुदूर क्षेत्रों में हो रहने वाले गांव है वहां तक नहीं पहुंची है टेलीविजन, अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तो इंटरनेट को खैर बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले हमारे पास पत्र था, और इस पत्र से जुड़े हुए जो लोग काम करते थे वो हमारे लेखक थे, वो हमारे साहित्यकार थे, वो हमारे कवि थे, हमारी सोसाइटी के, हमारे हिंदी साहित्य के। इन लोगों ने भारत में पत्रकारिता की नींव डाली थी, चाहे वो प्रेमचंद रहे हों, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं लगातार इससे। आप सब जानते होंगे कि भारत में सबसे पहला जो अखबार निकला था वो जेम्स ऑगस्टो सिक्की ने निकाला था। उसके बाद हिंदी पत्रकारिता में हम आए, तो हिंदी पत्रकारिता में
जो पत्र पत्रिकाएं जो पत्रिकाएं निकलती थी, धर्मयुग निकलता था, सारिका मैगजीन निकलती थी, इसके जो संवाद संपादक हुआ करते थे, धर्मवीर भारती या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, हमारे प्रेमचंद जी थे, विद्यानिवास मिश्र जी थे, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग थे जो साहित्य में काम तो कर ही रहे थे, साथ साथ उन्होंने ही पत्रकारिता की शुरुआत की थी। वृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार पत्र का अर्थ चिट्ठी, कागज या वो कागज जिसपे कोई बात लिखी हो या छपी हो, वो कागज या धातु की पट्टी जिस पर किसी व्यवहार के विषय में कोई प्रामाणिक लेख लिखा गया हो या खुदवाया गया हो या फिर उस पर टाइप किया गया हो किसी भी माध्यम से। पत्रकार का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक होता है, और पत्रकारिता का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा, समाचार का संपादन, समाचार इकट्ठा करने आदि का विवेचन करने वाली विद्या। जी, तो जो लोग जुड़े हुए थे पत्रकारिता से, जो लोग लगातार लिख रहे थे, जो लोग लगातार समाज को जागरूक कर रहे थे, वो लोग पत्रकार थे। और ये जो काम होता था, समाचार लिखने का जो काम होता था, समाचार के संपादन का जो काम होता था, एडिटिंग का जो काम होता था, या फिर उसको बांटने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो काम होता था, वो उसको कही जाती थी पत्रकारिता। ये पत्रकारिता एक पेशा था, या पेशा कह ले या फिर सेवा कह ले, क्योंकि हमने शुरुआत इसको पेशा के तौर पे नहीं किया था, हमने शुरुआत की थी इसको सेवा के तौर पे। पत्रकारिता में भवानी सर का मैसेज आया है, हृदय तल से आभार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस तरीके से अगर आप लोगों के मैसेजेज आते रहे, आप लोगों का कमेंट मिलता रहे, तो बातचीत करने में या फिर पढ़ाई करने में अगर आप लोगों के सवाल आते रहेंगे, आप लोगों की जिज्ञासाएं हमें मिलती रहेंगी, तो पढ़ाई करने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। एक साइड से बात करने में फिर मजा नहीं आता। अब उल्लेखनीय है कि ये जो जितने माध्यम थे, जो हमारा पत्र पत्रिका हुआ हुआ करती थी, या फिर रेडियो हुआ करती थी, या टेलीविजन हुआ करता था, वो एक तरफा उनका प्रसारण होता था। जैसे हम पढ़ते तो थे लेकिन हम रिप्लाई नहीं दे सकते थे, फीडबैक नहीं दे सकते थे, हम टेलीविजन पे न्यूज सुनते तो हैं लेकिन उसको फीडबैक नहीं दे सकते हैं, त्वरित फीडबैक हम नहीं दे सकते। ये एक तरफा उनकी एक तरफा हमारी बातचीत होती थी सूचना माध्यमों से। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक हमारी विकसित होती गई, जैसे जैसे हमारे पास इंटरनेट आता गया या फिर और सारे माध्यम आते गए, तो हम किसी भी मुद्दे पर या किसी भी सूचना पर तुरंत अपना फीडबैक भेज देते हैं, तुरंत अपनी जो जानकारी है उसको हम विस्तृत करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीजें आ गई है हमारी पत्रकारिता में। ये आप सबके हाथ में भी होगी, आप सबके हाथ में मोबाइल है, अभी हमारे क्लास में बातचीत हो रही है, अभी आप तुरंत इस पे रिप्लाई दे सकते हैं, इस पे कमेंट दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये दुई तरफा माध्यम, ये दुई जो दोनों तरह के संवाद हैं, दोनों तरफ से जो संवाद होता है, तभी बातचीत में मजा आता है, तभी हमारा जो संचार है उसमें मजा आता है। चलिए, पत्रकारिता की जो परिभाषा है, जो किताबी तौर पर परिभाषा है, जिसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से बताया है, अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, हालांकि सबने एक ही बात कही है, लेकिन उसको अपने तरीके से, अपनी भाषा में या अपने हिसाब से घुमा फिरा कर, मूल लेकिन सबका एक ही है कि पत्रकारिता का काम हमें जागरूक करना है, हमें सेवा का मौका देना है समाज को। अब चूंकि देखिए, इतना लोकतंत्र के चार स्तंभ कहे गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जिस चार स्तंभ पे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, और लोकतंत्र को मजबूती यही सारी चीजें प्रदान करती हैं, हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी मीडिया। अब इतना बड़ा देश है, एक आम आदमी की आवाज सरकार तक सीधे सीधे नहीं पहुंच सकती है। हमको अपनी आवाज अगर संसद तक पहुंचानी है, हमको अपनी आवाज अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है, तो हम डायरेक्ट उनसे कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। अब 135 करोड़ की आबादी है हमारी, 140 करोड़ की आबादी है, वो सब आदमी अपनी अपनी आवाज सीधे तौर पे तो नहीं पहुंचा सकते हैं ना सत्ता तक, अपनी समस्याओं को सीधे तो नहीं बता सकते हैं। तो सरकार के बीच में और हमारे बीच में जो सेतु का काम करता है, जो बांधने का काम करता है, जो पुल का काम करता है, उसको कहते हैं पत्रकारिता।
जिसको कहते हैं पत्रकार, और इस कार्य को निभाने में जो योगदान देते हैं ना, वो पत्रकार कहे जाते हैं। हमारी समस्याओं को वो बुलंद करते हैं, हमारी जो पीड़ाएं हैं उसको वो बुलंद करते हैं। आज इतने सारे हजारों हजार लाखों लाख मजदूर सड़कों पे उतर आए हैं, सब पैदल चल रहे हैं। इतनी विभत्स स्थिति है पूरे देश में कि हर एक राज्य से, चाहे वो हैदराबाद हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी लोग पैदल चल चल कर अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। अगर आज उन मजदूरों की आवाज को पत्रकार बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो अगर सत्ता तक नहीं पहुंचाते तो क्या उन मजदूरों को सही तरीके से न्याय मिल पाता? क्या उन मजदूरों को सही तरीके से जो चीजें हैं वो मुहैया हो पाती? जब तक हम आप जानेंगे ही नहीं कि कौन कष्ट में है, जब तक सरकार को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश के नागरिकों को क्या समस्याएं आ रही हैं, तब तक सरकार कैसे इन सारी चीजों का निदान करेगी? और इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में, हमारी आवाज को बुलंद करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है पत्रकारिता का। और ये जो काम करते हैं वो पत्रकार करते हैं। पत्रकारिता का काम ही यही है कि हमारी समस्याओं को लेकर, हमारे हमारी जो परेशानियां हैं उसको लेकर सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाना। फिर वहां से क्या हमारे समस्याओं का क्या सॉल्यूशन निकलता है, हमारी समस्याओं की, हमारी परेशानियों की क्या निदान होती है, उन सारी चीजों को हम तक पहुंचाना, जिससे एक कड़ी के रूप में हम जुड़ पाए सत्ता से, एक कड़ी के रूप में हम अपनी जो हमारी सहूलियत हमें मिल रही है, जो हमारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसको हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए एक पत्रकार लगातार लगे रहते हैं फील्ड में, लगातार जुड़े होते हैं हमसे भी और सत्ता से भी। चलिए, पत्रकारिता की जो परिभाषाएं हैं वो विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है। न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी के हिसाब से प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन, संपादन मतलब एडिटिंग, लेखन मतलब राइटिंग एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता। ये जितनी सारी चीजें हो रही हैं, जो अखबार चल रही है, जो टेलीविजन चल रहे हैं, जो न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, वो सारा जो माध्यम है, ये सब एक पत्रकारिता है। इसको ही हम जर्नलिज्म कहते हैं, जो आप तक सूचनाएं पहुंचाता है, जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, आप तक आपका मनोरंजन भी करता है, आप तक सूचनाएं भी पहुंचाता है, आप तक जानकारियां भी पहुंचाता है, और लगातार पहुंचाता है। इस फील्ड में कोरोना के काल में सब लोग अपने अपने घरों में हैं, कोई घरों से निकलना नहीं चाह रहा है, सारी चीजें बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की टीम काम पे लगी हुई है, पुलिस वालों की टीम काम पे लगी हुई है, और पत्रकारों की टीम काम पे लगी हुई है। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जी न्यूज के 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। क्यों पाए गए हैं? क्या वो लोग अपने घरों में नहीं रह सकते थे? क्या वो लोग अपने अपने आप को सुरक्षित नहीं रह सकते थे? सिर्फ और सिर्फ हम तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हम तक जानकारियां पहुंचाए रखने के लिए, हमको अपडेट करने के लिए वो लोग फील्ड में उतरे। उन लोगों ने जीरो लेवल पे काम किया, ग्रास रूट लेवल पे जाके रिपोर्टिंग की। जो कोरोना के मरीज हैं, जो संभावित मरीज हैं या फिर जो इन्फेक्टेड है, उनसे जाके बातचीत की, और इसी की वजह से वो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। देखिए, पत्रकारिता का काम कितना, जितना हमको सहज लगता है कि स्टूडियो में बैठ के न्यूज पढ़ देना ही पत्रकारिता है, हालांकि वो भी एक पार्ट है पत्रकारिता का, लेकिन वही पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का काम फील्ड में जाकर, ग्रास रूट लेवल पे जाकर, एकदम जीरो लेवल से जो समस्याएं हैं वहां तक उसको उठाना, उसको सोसाइटी, सरकार के सामने रखना, ये असली पत्रकारिता है। सिर्फ न्यूज चैनल्स में कोट टाई लगा के या फिर माइक पकड़ के प्रेजेंट कर देना ही पत्रकारिता नहीं है। हालांकि वो भी पत्रकारिता है, वो भी एक प्रकार है पत्रकारिता का, प्रस्तुतिकरण भी एक, प्रेजेंटेशन भी एक प्रकार है, लेकिन वही पत्रकारिता ही नहीं। पत्रकारिता का काम बहुत जीरो लेवल से शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर टीवी पे देखते हैं, तो जो हमारे न्यूज एंकर्स आते हैं, जो स्टूडियो में बैठते हैं, उनको देखकर हम पत्रकारिता ज्वाइन करते हैं। उनको देखकर वो एक हमें ग्लैमरस फील्ड लगता है, हमें लगता है कि बड़ा ग्लैमर है, कैमरे के सामने बैठना है हमें, हमें अब हमें मुझे पूरा देश देखेगा। इन सारी चीजों को हम मन में सोच कर, इन सारी चीजों को हम
रखकर, दिल में रखकर पत्रकारिता ज्वाइन करते हैं। पत्रकारिता सिर्फ यही नहीं है, पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई है या फिर आज भी प्रिंट मीडिया के ऐसे ऐसे हजारों लाखों पत्रकार हैं जो जीरो लेवल से जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और वो लोग गुमनाम रह जाते हैं, उन लोगों की कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं मिल पाती क्योंकि वो टेलीविजन पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो रेडियो पे उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। हालांकि अब सोशल मीडिया आ गया है तो अब लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं, अब थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलने लगी है। जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है, ये जो परिभाषा है ये विल्वर श्राम जी की परिभाषा है। विल्वर श्राम को आप जब भी मास कम्युनिकेशन के मॉडल पढ़ते होंगे या पत्रकारिता के मॉडल पढ़ेंगे तो विल्वर श्राम को जरूर पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है। जी हाँ, अभी देश दुनिया जिस हालात में पहुंचा है, आज जो इंफॉर्मेशन ताकत बन गई है, इसके मूल में अगर कुछ है तो वो है जनसंचार के माध्यम या फिर पत्रकारिता। एक सेकेंड आप लोगों की इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। सीजी मुलर जी एक हमारे वेस्टर्न के पाश्चात्य मतलब पश्चिम देशों के वो है विद्वान है मुलर साहब, उन्होंने पत्रकारिता की परिभाषा दी है कि सामयिक ज्ञान मतलब जो कंटेम्पररी नॉलेज है उसका व्यवसाय ही पत्रकारिता है। जो चीजें मतलब वर्तमान में चल रही हैं, जो चीजें घट रही हैं हमारे आसपास, जो लगातार घट रही हैं, उसका जो हम व्यवसाय करते हैं, उसका जो एक हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, ये पत्रकारिता कहलाती है। जेम्स मैकडोनाल्ड साहब ने कहा है कि पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूँ, ये कोई पेशा नहीं है बल्कि पेशे से ऊंची कोई चीज है, ये एक जीवन है जिसे मैंने अपने आप को स्वेच्छा पूर्वक समर्पित किया है। देखिए जेम्स मैकडोनाल्ड साहब ने कहा है कि पत्रकारिता कोई बिजनेस नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है, और मैंने अपने आप को स्वेच्छा से, मैंने बिना किसी फायदे अपना कोई फायदा सोचे, अपने आप को पत्रकारिता के प्रति समर्पित किया है। हाँ, लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं। संपर्ण जी का मैसेज आया है, दीपा जी का मैसेज आया है, भवानी पटेल जी का मैसेज आया है, मीनाक्षी जी का मैसेज आया है, दीपा कुमोदनी जी का मैसेज आया है, गायत्री जी का मैसेज आया है और उपासना देव जी का मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के इस तरीके से मैसेज आते रहे, आप लोगों का इस तरीके से फीडबैक हमें मिलता रहे, और अगर ऐसा लगे आपको कि मैं लगातार बोलता ही जा रहा हूँ, स्पीड में बोलता जा रहा हूँ, तो बीच में टोक दीजिएगा आप, क्योंकि मेरी कमेंट्री करने की आदत है, क्रिकेट कमेंट्री की, इस वजह से मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। खैर, हमारा जो भारतीय चिंतन है, हमारे जो भारतीय मनीषी हैं, हमारे भारतीय जो विद्वान हैं, उन्होंने पत्रकारिता के बारे में क्या कहा है उसको जानते हैं। पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता, ये हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ है उसके हिसाब से पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने कहा है कि ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्य कर्तव्य और लक्ष्यों का विवेचन होता है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन सबका मूल जो है वो एक ही है। देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने क्या कहा, पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, ये तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। अब जो पत्रकारों का काम है वो लोगों तक सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं देना ही नहीं है, लोगों को सिर्फ इस बात के लिए जागरूक नहीं कर, इस बात के लिए ये सिर्फ यही बात नहीं बताना है कि आज हम पूरा विश्व कोरोना से परेशान है, उसको पत्रकार का काम ये भी है कि पूरे विश्व को ये भी बताना है कि कोरोना तो आ ही गई है, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तो बताना है ही, साथ ही साथ पत्रकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पत्रकारिता की जो सबसे मूल जिम्मेदारी है, वो लोगों को ये बताना है कि इस कोरोना से हम बचे कैसे, इसका निदान क्या हो, कैसे कैसे हम लोग इससे बचे रहें। एक जो बहुत बड़ी हमारी आबादी है जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई है, उन लोगों तक पत्रकारिता का यह काम है कि वहां तक पहुंचाएं इन सारी बातों को कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, इस दौर में अपने आप को कैसे जिंदा रखें।
ये सेवा का माध्यम है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा है। और इस तरह की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप लोग भी जब धीरे धीरे पत्रकारिता को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो अपनी भाषा में लगातार आप भी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग पत्रकारिता को अच्छे से समझेंगे तो आप खुद की भी परिभाषा बना सकते हैं, और वो सही होगी, उसको कोई काट नहीं सकता है। अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है, सारी चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से, एक हमारे जो वस्तुनिष्ठ दृष्टि होती है, एक होता है सच, जो सच होता है, लेकिन वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता। अगर कोई आदमी, कोई इंसान विकलांग है किसी भी रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, ये उसका सच है, ये यथार्थ है कि वो विकलांग है, वो दिव्यांग है, लेकिन उसको लगातार ये जताना कि तुम विकलांग हो, तुम दिव्यांग हो, ये वस्तुनिष्ठ कहीं से नहीं है, वस्तुपरक कहीं से नहीं है, सच है। तो पत्रकार का काम सिर्फ सच्चाई बताना ही नहीं होता है, साथ साथ लोगों में एक दृष्टि पैदा करना होता है, एक विजन पैदा करना होता है, एक व्यू पैदा करना होता है, हमारे आसपास की घटनाओं को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, कि हम निष्पक्ष भाव से जो पूरे सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए कैसे सही हो, सबके लिए कैसे उपयुक्त हो, ये काम पत्रकारिता का मूल काम है। सिर्फ सच को सच बता देना, सिर्फ विकलांग को विकलांग कह देना, दिव्यांग को दिव्यांग कह देना, चोर को चोर कह देना, या फिर ये सारी चीजें पत्रकारिता नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। हमें समझाना है सोसाइटी को कि हाँ, ये बात सच है कि वो दिव्यांग है, ये बात सच है कि वो चोर है, वो डाकू है, लेकिन वो इन चीजों में सुधार कैसे लाए, हम कैसे अपने आप में सुधार लाएं कि हम उसको हमारे जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, उसमें कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सदा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलो कि किसी को बुरा लग जाए। तो इस हिसाब से पत्रकारिता का काम है कि लोगों में एक ऐसी दृष्टि पैदा करे, अपने पाठकों में, जो पत्रकारिता के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनमें ऐसी दृष्टि पैदा करे जो संतुलित हो, जिसका विचार संतुलित हो, जो एक धारा से नहीं सोचता हो, एक मतलब कट्टर दृष्टि से नहीं सोचता किसी भी मामले पर, अपनी बुद्धिजीविता को रखे। पत्रकारिता का ये काम है, पत्रकारों का ये काम है कि वो लोगों को लगातार जागरूक करते रहें। उपासना देव जी का मैसेज आया है, रश्मि सतपति जी का मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग उड़ीसा से हैं, आप लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। अभी अभी मैंने कुछ दिनों पहले वो मूवी देखी थी, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको आसानी से, और हिंदी में डब है वो, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु के नाम से, मलयालम फिल्म है ये, हिंदी में द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु के नाम से डब है, और ये मलयालम में किस नाम से है इसकी जानकारी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, ये आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ये मिल जाएगी फिल्म आपको आसानी से मिल जाएगी। मलयालम फिल्म है, जो मलयाली समझते हैं वो मलयालम में देखिएगा, या फिर जो हिंदी समझते हैं वो हिंदी में देखिएगा। द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु फिल्म में ये बताया गया है कि कैसे हम सूचनाओं से घिरे हुए हैं, कैसे हम एक कोड बनकर रह गए हुए हैं, कैसे हम मोबाइल में जो चीजें यूज करते हैं, जो सूचनाएं अपनी डालते हैं, वो कैसे पूरी दुनिया के सामने पहुंच गया है, उसको कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, इसको आप देखिएगा कि कैसे एक स्वरूप बदल गया है आजकल, कैसे जिसको हम पर्सनल कहते हैं वो हमारा पर्सनल नहीं रह गया है, हमारा फेसबुक का जो टाइमलाइन है, हमारा जो इंस्टाग्राम पोस्ट है, हमारा जो व्हाट्सअप है, वो बिल्कुल पर्सनल नहीं रह गया है। इन सारी चीजों को, इस फिल्म को आप देखेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु फिल्म है, ये हिंदी में डब है, और मलयालम में इसका क्या नाम है ये भी कंफर्म याद नहीं है मुझे अच्छे से, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। आप लोग इस मूवी को देखिएगा कि कैसे हम लोग घिरे हुए हैं, सूचनाओं से कैसे घिरे हुए हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ताकत बन गई है लोगों की, या फिर हमारे आसपास जो हैकर्स हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन लेके किस तरीके से हमें प्रभावित कर सकते हैं, सारी चीजों को उस फिल्म में बड़े अच्छे से दिखाया गया है। और देखिएगा, इसके लिए सरकार हमें, या जो हमारी प्रशासन है वो हमें लगातार सतर्क करती रहती है। इस सारी चीजों को अगर फिल्म के माध्यम से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब है पत्रकारिता कर्म। प्रारंभिक अवस्था में जब पत्रकारिता एक
उद्योग के रूप में स्थापित नहीं था, उद्योग के रूप में गिना नहीं जाता था, तब पत्रकारिता को एक पेशे के रूप में नहीं माना जाता था। उस समय तो चीजें सेवा के लिए थी, उसमें अपने देश में आजादी की भावना जागृत करवाने के लिए शुरुआत की गई थी, तो उस समय एक बिजनेस नहीं था, ये बिजनेस मॉडल नहीं आया था पत्रकारिता का। 1990 का जो दशक आया हमारे देश में, इसने उदारीकरण की नीति लाई, एक नई अर्थव्यवस्था लाई देश में। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगमन हुआ, उसके बाद जो विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आने लग गए, उसके बाद पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया। उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें बिजनेस आ गया, बहुत ज्यादा पूंजी आ गई, तो पत्रकारिता पेशा बनता गया। उससे पहले ये सारी चीजें कम थी, हालांकि घाटे का सौदा तो कभी कोई नहीं करना चाहेगा। तो चीजें इतनी ज्यादा व्यावसायिकता नहीं थी उस समय, नैतिकता भी थी जिस समय शुरुआत हुई थी। जो बड़ा दौर है हमारा, जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है पत्रकारिता का। ये सारी पत्रकारिता का आप इतिहास हिंदी पत्रकारिता का पलट के देखिएगा कि कैसे कैसे पत्रकार हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी चीजों को, अपनी बातों को लोगों तक रखा है। पत्रकार की योग्यता और उत्तरदायित्व, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पत्रकार में क्या योग्यता होनी चाहिए। मेरे बंधु, मेरे ख्याल से पत्रकार में योग्यता के नाम पे कोई डिग्री मायने नहीं रखती है कि आप कहीं से बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, या मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, या फिर पीएचडी है। अगर आप हिंदी के भी विद्यार्थी हैं, अगर आप उड़िया के भी विद्यार्थी हैं, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपकी दृष्टि व्यापक है, विस्तृत है, बहुत बड़ी है, तो भी आप पत्रकार हो सकते हैं। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको पत्रकारिता की डिग्री की जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े हमारे पत्रकार हुए हैं, किसी के पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। अब लोग आने लग गए हैं, लोग आज तक में जाके एडमिशन, आज तक के इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेते हैं, जो भी हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं उनका अपना अपना इंस्टीट्यूशन है, वहां जाके एडमिशन लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनका प्लेसमेंट होता है या होता होगा। लेकिन पत्रकारिता में काम करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप जागरूक हैं, अगर आपकी भाषा अच्छी है, अगर आपका लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं, अगर आपको उड़िया के साथ साथ इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो आप, और आपकी दृष्टि अच्छी है, आप चीजों को, किसी घटना को समझते हैं, तो आप अपने आप में पत्रकार हैं। आपको कोई जरूरत नहीं किसी चैनल को ज्वाइन करने की। आप फेसबुक पे पत्रकार बन सकते हैं, अगर आपने किसी मुद्दे को फेसबुक पे लिखा है, वहां से आप पॉपुलर हो सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी टेलीविजन में जाने की, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी समाचार पत्र ज्वाइन करने की। आप फेसबुक पे लिखिए ना, फेसबुक पे अगर आप बढ़िया लिख रहे हैं, आपके फेसबुक पोस्ट को उठा के कोट किया जाएगा समाचार पत्रों में, आपके फेसबुक पोस्ट कभी भी वायरल हो सकता है, अगर आप में ये दृष्टि है, आप में एक विजन है। देखिए, जो इसमें किताब के हिसाब से जो परिभाषा दी गई है वो है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो या अन्य माध्यम में कार्य कर रहे पत्रकारों को दोहरी भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है। वो दो तरीके से काम करते हैं, वो समाचार इकट्ठा भी करते हैं और उसको लिखते भी हैं। समाचारों के संकलन मतलब समाचार को इकट्ठा करना, व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं, और प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के लिए पत्रकार में गुप्तचर मनोवैज्ञानिक एवं वकील के साथ साथ एक अच्छे लेखक के गुण होने चाहिए। प्रत्येक पत्रकार को अपने समाचार का क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए ताकि विशेषज्ञता हासिल होने पर वो समाचार पत्र को अच्छी तरीके से पेश कर सके। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप पॉलिटिकल खबरों को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी भाषा अच्छी है, तो आप आर्थिक पत्रकारिता में जा सकते हैं, फील्ड खुला हुआ है आपके लिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप साइंस पत्रकारिता में जा सकते हैं, विज्ञान पत्रकारिता में जा सकते हैं, बड़ा अच्छा स्कोप है विज्ञान पत्रकारिता का। अब देखिए, कोरोना का जो संकट का समय है, इसमें बहुत सारे फील्ड से नौकरियां जा रही हैं, लेकिन पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कभी नौकरी नहीं जाएगी, इसमें संभावनाएं हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जरूरी है कि इसके लिए आपको यूनिक होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एवरेज से ऊपर उठना पड़ेगा। अपनी जो ये हमारी मानसिकता है, हमारी जो सोच है, उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, फिर आपके लिए जगह ही जगह है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपकी पूछ होगी। अगर आप, आपकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, आपकी जो सोच है वो ब्रॉड है, तो आप कहीं भी जाके पत्रकारिता कर सकते हैं। पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है, पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है, एक अच्छे पत्रकार का, एक अच्छे विजनरी इंसान का, एक अच्छे मल्टी डायमेंशनल इंसान का इंतजार तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है। आपको काम नहीं ढूंढना पड़ेगा, काम आपको ढूंढेगा, बशर्ते
आप में विजन होना चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी को देखने की आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, आपका डायमेंशन अच्छा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, पत्रकारिता का फील्ड आपका स्वागत करेगा। अब देखिए, पत्रकारिता, पत्रकार में क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे कैसे लोग एक सफल पत्रकार बन सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि पत्रकार में सक्रियता होनी चाहिए। सक्रियता मतलब कितने एक्टिव हैं आप, अपने आसपास की सूचनाओं को लेकर, अपने आसपास की घटनाओं को लेकर कितने एक्टिव हैं, कितने जल्दी से चीजों को समझते हैं, कितने जल्दी से चीजों को ग्रहण करते हैं और कितने जल्दी से लोगों तक चीजों को पहुंचाते हैं। अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप सक्रिय हैं, अगर आप समय से पहले हैं तो पत्रकार हैं, बस आपको जासूसों की तरह सक्रिय रहना होगा। आज देश के बहुत सारे यूट्यूबर हैं देश में, अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें तो हर एक दूसरा आदमी है जो अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है, लेकिन स्टार वही है जो कुछ नया कंटेंट लेके दे रहा है, स्टार वही है जिसने पहले से इसकी शुरुआत की है, स्टार वही है जो एक्टिव है लगातार। चाहे आप यूट्यूबर को देख ले या और भी जो भी माध्यम है, उस माध्यम पे वही लोग स्टार हैं जो एक्टिव है लगातार। और जो दूसरा महत्वपूर्ण इन्होंने एक वो बताया है वो है विश्वास पात्रता। विश्वास पात्रता मतलब कि आपको खबर कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, आपको एक हॉस्पिटल से खबरें मिल सकती है, आपको थाने से खबर मिल सकती है, आपको खबर स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी दे सकता है, कोई पुलिस वाला दे सकता है, कोई वकील दे सकता है, वो लोग आपके माध्यम हो सकते हैं खबर के, लेकिन आपको विश्वास पात्र अपने आप को बनाना होगा कि जो खबर दे रहा है उसको गोपनीय रखना होगा, कि आपके निजी संबंध कितने कितने अच्छे हैं अपने लोकल थाने से, लोकल वकील से, लोकल डॉक्टर्स से, कितने आप उनके विश्वास पात्र हैं, उनकी सूचनाओं को आप कितने तरीके से सहेज के रख पाते हैं, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप किसी के विश्वास पात्र हैं, अगर आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब किसी भी घटना को इस तरीके से पेश करना कि जिससे लोगों का भला, अगर कहीं पे दंगा हो रहा है तो पत्रकार का काम ऐसा नहीं है कि वहां जाके इस तरीके की रिपोर्टिंग करे कि वो दंगा और भड़क जाए, लोगों में और बदला लेने की भावना आ जाए, बहुत आसान काम है, पत्रकार कर सकता है, और पत्रकार के हाथ में ये ताकत है कि अगर वो माइक लेके किसी भी घटना को कोई और रूप देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, पत्रकार का काम है सोसाइटी को इसके बारे में बतलाना, इसके बारे में समझाना कि ये सही नहीं है, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। और विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, आप विश्लेषण क्षमता तभी आएगी, ये जो किसी चीज को पूरा व्याख्या करके बताना, इंटरप्रेट करके बताना, वो तभी आएगी जब हमें जानकारी होगी उसके बारे में, जब हम उन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उन चीजों को समझेंगे। पत्रकारिता पढ़ने के लिए पत्रकारिता का कोर्स जरूरी नहीं है, अगर आप हालांकि ये पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस पे अच्छी पकड़ है, आप भारत के संविधान पे अच्छी पकड़ है, हिंदी साहित्य पे अच्छी पकड़ है, अंग्रेजी के साहित्य पे अच्छी पकड़ है, तो आप अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। अगर आपकी विश्लेषण क्षमता अच्छी है, आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो आप स्वाभाविक तौर पर पत्रकार हैं। जरूरी नहीं है कि आप जब तक किसी उससे जुड़े, मनिका पांडा जी का मैसेज आया है, दीपा कुमुदिनी जी का मैसेज आया है, रश्मि जी का मैसेज आया है, तो अगर आप लोगों के इस तरीके से मैसेज आता रहे, इस तरीके से आप लोगों का कमेंट मिलता रहे, तो अच्छा लगता है, लगता है कि जो पढ़ाई हो रही है वो सार्थक हो पा रही है। और जो पत्रकार में एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है भाषा पे अधिकार। मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर आप लोग मेरी बात माने तो, कि सबसे पहले अपने आप को मल्टीलिंगुअल बनाइए, अगर आप उड़ी उड़ी उड़ीसा से हैं तो उड़िया पे अपनी पकड़ बनाइए, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों भाषाओं पे जबरदस्त पकड़ बनाइए। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर रहेगी कि आप लोकल भाषा के साथ साथ पूरी दुनिया से कनेक्ट करने वाली भाषा भी जानते हैं, तो आपसे बेहतर पत्रकार मैं लिख के देता हूं कोई नहीं हो सकता है। आप मल्टीलिंगुआ बनिए, सबसे जरूरी है मल्टीलिंगुआ बनना।
आप हिंदी जानिए, आप इंग्लिश जानिए, आप उड़िया तो खैर सब लोग जानते ही होंगे। अपने भाषा को मजबूत कीजिए। अगर आपकी भाषा मजबूत होगी तो ये हमारा पहला चैप्टर था, पत्रकारिता शब्द, पत्रकारिता का जो अर्थ है, या फिर एक मिनट, पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा और जो क्षेत्र है वो दूसरा चैप्टर है हमारा, पत्रकारिता कार्य सिद्धांत एवं प्रकार, कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या कार्य है इसका, किस सिद्धांतों पे काम करती है पत्रकारिता, इन सारी चीजों को लेकर हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रही है ना चीजें? अगर बोर हो रहे हो तो बताइएगा। अमन सर की क्लास में बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? चलिए अच्छा लगा, आप लोगों के मैसेज मिलने बड़ा अच्छा लग रहा है, और हमारे अभिषेक सर लगातार सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अभिषेक सर का फिर से धन्यवाद देता हूँ। और जो दूसरा चैप्टर है वो है पत्रकारिता कार्य सिद्धांत एवं प्रकार। इसमें बहुत सारे सब चैप्टर हैं इसके। पहला है उद्देश्य, प्रस्तावना, पत्रकारिता की क्या कार्य है, उसका क्या सिद्धांत है, और पत्रकारिता का क्या प्रकार है, ये अलग अलग चैप्टर्स में बांट के बताया गया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पत्रकारिता का कार्य। ये कार्य क्या क्या होते हैं पत्रकारिता के? आप सब लोग पत्रकारिता इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आप सब लोग इन सारी बातों से वाकिफ होंगे कि सबसे पहला काम जो है पत्रकारिता का वो है सूचना देना, लोगों को सूचित करना। ये सब चैप्टर है पत्रकारिता कार्य। इसमें देखिए सबसे पहला जो 3.1 करके बनाया गया वो है सूचना, लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना कि क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या घट रही है। जिस तरीके से जब भूख लगती है इंसान को तो वो बेचैन हो जाता है, जब प्यास लगती है तो वो बेचैन हो जाता है, उसी तरीके से जब चीजें आपको नहीं मिलेंगी, जब आपको सूचनाएं नहीं मिलेंगी, जब आप आसपास के लोगों से बात नहीं करेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। आप इस चीज को महसूस कीजिएगा। लॉकडाउन में आदमी को खाना मिल रहा है, जरूरत की सारी चीजें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो वो है कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है। हम जिस तरीके से भ्रमण करते थे, जिस तरीके से अपने आसपास को देखते थे, हम कहीं भी निकल जाते थे, किसी भी पहाड़ी यात्रा के लिए निकल जाते थे, अपने देश में कहीं भी भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे, वो सारी चीजें आज नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा टेंशन में है। ये कम्युनिकेशन, ये संचार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी इंसान को अगर जेल में डाला जाता है तो उसको सारी चीजें मुहैया करवाई जाती हैं, उसको भोजन भी मिलता है, उसको वस्त्र भी मिलता है, उसको क्या नहीं मिलता है? उसको नहीं मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं मिलता है। वो अपने परिवार के लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है, वो देश दुनिया को नहीं देख पाता है, देश दुनिया के बारे में उसको जानकारी नहीं मिलती, उसको टेलीविजन नहीं देखने दिया जाता है, उसको मोबाइल नहीं चलाने दिया जाता है, उसको अखबार नहीं पढ़ने दिया जाता है। और जेल से भी है सबसे खतरनाक होता है सेल। सेल में तो सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है जिससे हम आसमान को देखते हैं। सोचिए कि ये संचार अगर नहीं हो, अगर आदमी तो इंसान पागल हो जाएगा, अगर इंसान बातचीत नहीं करेगा। आप एक कमरे में 1 महीने 2 महीने रह के देख लीजिए अकेले इंसान किस तरीके से मानसिक रूप से परेशान हो जाता है अगर कोई बातचीत करने वाला नहीं हो तो। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप बीमार हो सकते हैं लेकिन उबर जाएंगे। पानी से भी कुछ दिनों तक परेशान रहेंगे, आप पानी नहीं मिले तो फिर उबर जाएंगे। लेकिन अगर आपको बातचीत नहीं मिले, अगर आपको सूचना नहीं मिले, तो जो मानसिक परेशानी पहुंचती है उससे उबरना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कम्युनिकेशन, संचार जो कहते हैं संचार, वो बहुत जरूरी होता है मनुष्य के लिए। एक भोजन की तरह हमारे लिए जरूरी है संचार। और इस संचार करवाने में हमारा और हमारी सोसाइटी के बीच में संचार करवाने में पत्रकारिता अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा कार्य है वो है सूचना देना, दूसरा काम है शिक्षा देना। अब सिर्फ कोरोना के कितने मामले हैं, कितने लोग संक्रमित हुए हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश में 1,000 लोग पीड़ित हैं, महाराष्ट्र में 2,200 लोग पीड़ित हैं, उड़ीसा में 800 लोग पीड़ित हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कैसे बचें, इन सारी चीजों से सीख लेते हुए हम उस आंकड़ों में कैसे नहीं शामिल हों, हमारा भी नाम उन आंकड़ों में नहीं आ जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये काम भी पत्रकारिता करती है कि वो हमें बताती है कि हम कैसे बचें इन सारी चीजों से, कैसे हम अपने आप को इस माहौल में बचाए रखें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है मनोरंजन। मनोरंजन उतना ही जरूरी होता है जितना भोजन, जितना सूचना। अगर आप, अगर इस घड़ी में ये जो संकट का दौर है, इस दौर में अगर आपको मनोरंजन नहीं मिलता तो इंसान पागल हो जाता।
आपको सारी चीजें मिल रही हैं, सारी सुख सुविधा की सारी चीजें मिल रही है, आपको भोजन मिल रहा है, आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको आराम मिल रहा है, लेकिन अगर आपको मनोरंजन नहीं मिलता तो देखिए किस तरीके से एक बौखलाहट आ जाती है उसके अंदर। मनोरंजन का भी देने का काम हमें पत्रकारिता करती है। आप सोशल मीडिया पे देखिए लगातार मनोरंजन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मनोरंजन की चीजें लेकर आप लोगों के सामने आते हैं। एक अखबार में संपादकीय का उतना ही महत्वपूर्ण, संपादकीय एक अखबार का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जितना महत्वपूर्ण हिस्सा एक पजल वाला होता है, एक मनोरंजन वाला हिस्सा होता है। वो लोग भी हमारी चीजों को, हमारे ब्रेन को वॉश करते हैं, एक तरीके से फ्रेश करते हैं, रिफ्रेशमेंट होती है चीजों से। तो मनोरंजन भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद है लोकतंत्र का रक्षक। जैसा मैंने पहले कहा है कि हमारे लोकतंत्र के, हमारे देश का जो पूरे विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है, भारत का सबसे पहला लोकतंत्र जो है भारत का, उसका महत्वपूर्ण प्रहरी मीडिया है, महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया है। मीडिया ने अपने कंधे पर लोकतंत्र को रखा है और इस वजह से आज हमारा लोकतंत्र बचा हुआ है। और जो काम है वो है जनमत का काम, कि कैसे एक बड़े मॉब में, एक मास में जनमत निर्माण करती है मीडिया, कैसे मीडिया एक मुद्दे को बनाती है, कैसे आप में, आपके दिमाग को फ्रेश करती है, ये जनमत का काम होता है। एक आपके अंदर एक विचारधारा बनाने का काम करती है मीडिया, ये काम भी महत्वपूर्ण है पत्रकारिता का। उसके बाद एजेंडा निर्धारण, आपके क्या तकलीफ है, आपकी क्या समस्याएं हैं। तो सत्ता और जो हमारा, हमारी जो सरकार हम पे शासन कर रही है, या फिर हम जो लोग, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, उनके क्या एजेंडा होते हैं चुनाव के समय में, इन सारी चीजों का निर्धारण करने का काम मीडिया करती है। कई बार ऐसा होता है कि मीडिया जो मुद्दे उठाती है उसी पे बात होता है और सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। मीडिया जिन मुद्दों को लेकर, आपने सोशल मीडिया देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा होगा, मीडिया जिन मुद्दों को उठाती है अपने कार्यक्रमों में, उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता है, बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो मीडिया का एक ये भी काम है एजेंडा का निर्धारण। उसका तत्परता के सिद्धांत है जिसमें यथार्थता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये सब पत्रकारिता के सिद्धांत हैं। मतलब आप जितने निष्पक्ष होंगे किसी भी विषय को लेकर, किसी भी विषय को लेकर जितने संतुलित होंगे उतने ही महत्वपूर्ण पत्रकार आप कहलाएंगे। हाँ, तो जितने महत्वपूर्ण होंगे, जितने जितने निष्पक्ष होंगे, जितने यथार्थवादी होंगे आप, जिस चीजों को आपने जैसे देखा है उस हिसाब से जितने सही तरीके से आप पेश करेंगे उतने ही अच्छे पत्रकार आप लोग कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और आपके मैसेज लगातार मिल रहे हैं मुझे। उसके बाद पत्रकारिता के जो प्रकार बताए गए हुए हैं वो सबको अलग अलग करके बताया गया है। खोजी पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, पीप पत्रकारिता, पेज थ्री पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक, ग्रामीण एवं कृषि, विशेषज्ञ पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, टेलीविजन, विधि, फोटो, विज्ञान, शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, अपराध, राजनीतिक, इतने सारे, मतलब जो टॉप जितने पत्रकारिता के प्रकार हैं वो 23 बताए गए हैं। तो आप जिस फील्ड में हैं, अगर आपको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, अगर आप फिल्म पे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, फिल्म पे लिखना अच्छा लगता है, तो आप पेज थ्री पत्रकारिता में जा सकते हैं। आप सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता में जा सकते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप विज्ञान पत्रकारिता में जा सकते हैं। आपके कैमरे पे अच्छी पकड़ है तो आप फोटो पत्रकारिता में जा सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप विधि पत्रकारिता में जा सकते हैं। मतलब विधि मतलब ये कानून और लॉ से जुड़ा हुआ पत्रकारिता है। अगर आपको एक, आपकी एक दृष्टि आपराधिक मुद्दों पर ज्यादा होती है गहन, तो आप अपराध पत्रकारिता में जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप राजनैतिक पत्रकारिता में जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आर्थिक पत्रकारिता में जा सकते हैं। अगर किसी गांव के मुद्दे पर, किसान के मुद्दों पर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता में, इतने सारे माध्यम, इतने सारे प्रकार आपके पास खुले हुए हैं। बस आपका विचार विस्तृत होना चाहिए, बस आपका जो डायमेंशन है वो विस्तृत होना चाहिए। उसके बाद तो आपके पास बहुत सारे माध्यम है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी पत्रकारिता में आ सकते हैं। अगर आपका उड़िया अच्छा है और आप अपने उड़ीसा के महत्वपूर्ण घटनाओं को, महत्वपूर्ण विषयों को उठाना चाहते हैं, तो आप
आप किसी भी पत्रकारिता में ज्वाइन कर सकते हैं, वो ग्रामीण कृषि पत्रकारिता हो सकती है, विशेषज्ञ पत्रकारिता हो सकती है, व्याख्यात्मक पत्रकारिता हो सकती है। और जो हमारे हमारी क्लास की जो साथी लोग हैं, जो जिनको महिला विषयों पर ज्यादा अच्छी जानकारी है, जिनको महिला के विषयों पे अच्छी पकड़ है, जो महिला के विषय पर खुलकर बातचीत कर सकती हैं, जो महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे अब लगातार खुलकर बातचीत हो रही है हमारी सोसाइटी में और होनी चाहिए। अब फिल्में बन रही हैं, पैडमैन जैसी फिल्में आ रही हैं, टॉयलेट जैसी फिल्में आ रही हैं, जो महिला की जो चिंताएं हैं, महिला की जो टैबू बना दिए गए हैं, जिन विषयों पर बातचीत करने में लोग असहज महसूस करते हैं, जिन विषयों पर बातचीत करने में महिलाएं असहज महसूस करती हैं, उन विषयों पर आप पत्रकारिता कर सकते हैं महिला पत्रकारिता के रूप में, बशर्ते आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए उस विषय पर। तो जितना हो सके पढ़िए, चीजों को समझिए, जितना आप पढ़ेंगे, जितने महत्वपूर्ण तरीके से, जितने गहराई से चीजों को समझेंगे, जितना गहन अध्ययन होगा आपका, आपकी पत्रकारिता की दृष्टि उतनी ही विशाल होगी, आपका कार्य क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा। वॉचडॉग पत्रकारिता है, मतलब लोकतंत्र पे नजर रखने वाली जो पत्रकारिता होती है। हमारे देश में विधि व्यवस्था कैसी चल रही है, हमारे नेता कैसे काम कर रहे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इन सब को लेकर वॉचडॉग पत्रकारिता है। उसके बाद है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता मतलब आपके हर एक इंसान के अंदर किसी चीज को खोजने का एक कीड़ा होता है, वो कुलबुलाता रहता है कि अच्छा ये क्या हो सकता है, नहीं, ये तो नहीं है, इसके अंदर ये होना चाहिए, नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको इस एंगल से देखा जाना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें हैं आपके अंदर तो आप खोजी पत्रकारिता में जा सकते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता होती है कि जब किसी मुद्दे को, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो या राष्ट्रीय मुद्दा हो, उस पर एक तरफा दृष्टि से, हम एक तरफा सोच से देखते हैं तो उसको हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनकी अपनी पत्रिकाएं निकलती हैं, उस विचारधारा की अपनी पत्रिकाएं निकलती हैं, पत्र निकलते हैं, तो ये एडवोकेसी पत्रकारिता में आती है। उसके बाद है पीठ पत्रकारिता। येलो जर्नलिज्म का नाम आपने सुना होगा, येलो जर्नलिज्म बड़ा फेमस हो रहा है आजकल, फेमस कहें या नोटोरियस कहें, जो भी कहें, कि जब किसी चीज को, किसी मुद्दे को हम मनोरंजक तरीके से छापते हैं, कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको हमने, पहले ऐसा होता था कि अखबार में एक हिस्सा दिया और जाता था, इस पे किसी, हम उस समय का जो सबसे विवादास्पद चीजें होती थी, जो हम पाठकों को लुभाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, प्रेम संबंधी जो चीजें होती थी हमारे सोसाइटी की, या फिर अफवाह होते थे, जो आरोप प्रत्यारोप होते थे, उसको हम पीले कॉलम में अखबार के किसी हिस्से में पीले कॉलम में छापते थे। तो चूंकि पीला कॉलम सबसे पहले आपको नजर आएगा, किसी अखबार के पन्ने को आप पलटें तो अगर कोई कॉलम पीले रंग से रंगा गया है तो उससे आपकी तुरंत नजर जाएगी। पीला कलर ऐसा ही हमारे आंखों को लगने वाला ऐसा कलर होता है। तो वो होती थी पीप पत्रकारिता, उसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता था। ये मतलब एक तरीके से चटपटा न्यूज होता था जिससे आप आकर्षित हों, जिससे, अगर आप लोग आईनेक्स्ट पढ़े होंगे, दैनिक जागरण का एक आता है आईनेक्स्ट, एक छोटा सा वेंचर है उसका, छोटी सी पत्रिका के रूप में, ये टैबलॉइड साइज में आता है आईनेक्स्ट, दैनिक जागरण के साथ। उसमें अगर आप खेल पृष्ठ पे देखें तो आई कैंडी के नाम से एक फोटो छपी होती है, वो येलो जर्नलिज्म का एक उदाहरण है। उसमें खिलाड़ियों के प्रेम संबंध के बारे में बताया जाता है कि कौन से खिलाड़ी का किसके साथ प्रेम चक्कर चल रहा है, किस हीरोइन के साथ अभी वो संबंध में, इन सारी चीजों को, जिससे आपका थोड़ा सा मनोरंजन हो, इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। उसके बाद है पेज थ्री पत्रकारिता। आप लोगों ने मधुर भंडारकर शायद की फिल्म पेज थ्री देखी होगी। पेज थ्री मतलब बॉलीवुड की जो खबरें हैं, जिसमें अमीरों की पार्टियां होती हैं, जो किटी पार्टी होती है, फैशन शो होता है, इसमें भी बहुत सारे लोगों की रुचि हो सकती है कि वो फैशन शो की रिपोर्टिंग करें, ये सब पेज थ्री की पत्रकारिता में आता है। उसके बाद है खेल पत्रकारिता। जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको खेल में ज्यादा रुचि है, वो खेल पत्रकारिता में जा सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, 23-23 ऑप्शन तो किताबों में बताया गया है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल जर्नलिज्म है आपके पास, सोशल मीडिया, इतने सारे माध्यम है, कहीं भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे जरूरी है पत्रकारिता के छात्र के लिए, वो है अपने अंदर विश्लेषण की क्षमता पैदा करना, किसी विषय पर अपनी समझ को पैदा करना, अपनी भाषा को समृद्ध बनाना, अपने आप को मल्टीलिंगुअल बनाना, अपने आप को कट्टर नहीं होने देना, अपने आप को निष्पक्ष बनाना, संतुलित बनाना,
ये मूल तत्व तो है पत्रकारिता के। ये दूसरा चैप्टर था हमारा। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे समाचार, और आज के लिए आखिरी चैप्टर होगा समाचार अर्थ परिभाषा एवं तत्व। बहुत लंबी क्लास होगी तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो समाचार अर्थ परिभाषा एवं तत्व, इसमें बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं जिसमें समाचार के तत्व के बारे में बताया गया है, समाचार का सामान्य परिचय दिया गया है और समाचार के प्रकार बताए गए हैं। इसमें जो समाचार का सामान्य परिचय है वो दिया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो जिज्ञासु है। जानने की इच्छा हर एक मनुष्य में होती है, क्यूरियोसिटी होती है। मनुष्य जिस समाज में, जिस वातावरण में, जिस समूह में रहता है, उसके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में जानने को हमेशा इच्छुक रहता है। और ये जो घटनाएं हम तक पहुंचती है, ये समाचार के रूप में पहुंचती है। इस घटना को जानने के बाद हमें एक संतोष की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज समाचार हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। मनुष्य जब आदिम काल में ही था, उस समय ही उसने घटनाओं के बारे में जानकारी करने के लिए तमाम तरीके के विधि का, तमाम तरीके के तरीकों का खोज कर लिया था। उस समय भित्ति चित्र थे, उस समय दीवारों पे लिखा जाता था, उस समय ताम्र पत्र लिखे जाते थे, उस समय शिलाओं पे, पत्थरों पे लिखा जाता था। तो ये सूचना के आदान प्रदान का, सूचना के प्रसारण का काम है, ये मनुष्य का बहुत पुराना है समाचार प्राप्त करने का। ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। तो समाचार में हमारे आसपास जो भी घटना घट रही है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं और जिस घटना की जानकारी हम तक पहुंचती है, वो सब समाचार कहलाती है। चाहे हम किसी का हाल चाल लेते हो, पूछते हो कि आप कैसे हैं, घर परिवार पे सब ठीक है, वो भी एक समाचार है। वो आपके पर्सनल लेवल के लिए हो सकती है, या फिर हमारे हमको राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने विश्व के बारे में जो जानकारियां मिलती है वो भी समाचार है। वो राष्ट्रीय स्तर के समाचार हैं, ये पर्सनल स्तर के समाचार हैं। और सभी समाचारों की अपनी अपनी प्रकृति होती है, सबका अपना अपना स्वरूप होता है, अपना अपना महत्व होता है। अगर एक समाचार की बहुत अच्छी परिभाषा है, अभी आगे हम इसको देखेंगे, कि अगर किसी इंसान को कुत्ता काट ले वो समाचार नहीं कहलाता है, कोई इंसान अगर कुत्ते को काट ले तो वो समाचार होता है। कि कुत्ता के काटने, कुत्ता तो कुत्ते की तो प्रवृत्ति है काटने की, वो तो काटता है, ये तो हर दिनों की बात है कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये समाचार नहीं है, सूचना हो सकती है। ये समाचार अखबार में जगह भी नहीं पाएगी अगर किसी इंसान को कुत्ता काट ले। डेली डेली कितने इंसानों को कुत्ता काटता होगा, तो डेली डेली अखबार में ये खबर तो नहीं छापी जा सकती है ना कि फलाने आदमी को कुत्ते ने काट लिया। ये समाचार नहीं है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन कोई इंसान अगर कुत्ते को काट ले तो ये समाचार बन जाती है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई आदमी चलते चलते किसी कुत्ते को काट ले, इस तरह की घटनाएं तो रेयर है और होता भी नहीं है। शायद ही आपने देखा होगा कि कोई इंसान कभी किसी कुत्ते को काट ले, तो ये समाचार बनती है। ये सारी चीजें अखबार में जगह पाती हैं कि फलाने जगह पर एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया। ये परिभाषा किताब में दी गई, ये मेरे मन की परिभाषा नहीं है। अब इसमें दिखाया गया है कि हिंदी में समाचार का अर्थ भी लगभग यही है, समाचार। अगर इसका संधि विच्छेद हम करें, सम प्लस आचार इज इक्वल टू समाचार, मतलब सम मतलब बराबर, आचार मतलब जो हमारा व्यवहार है। इसको बृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार सम का अर्थ एक ही है, अभिन्न है, सदृश है, बराबर है, जो दो से पूरा पूरा बट जाए, जो विषम नहीं हो, जो पक्षपात रहित हो, जो निष्पक्ष हो, जो ईमानदार हो, यही। और आचार का अर्थ चरित्र, चाल, व्यवहार, व्यवहार का तरीका, मतलब जो निष्पक्ष व्यवहार है, जो निष्पक्ष तरीका है, जो ईमानदार सलीका है, जो जीने का, जो चीजें ऐसी हैं जो किसी पक्ष को, किसी कट्टरता को अपने अंदर समय के नहीं हुई है, कि जो जानकारी है भाई समाचार है। समाचार को बहुत वैज्ञानिकों ने बताया है अपने अपने हिसाब से, हमारे पाश्चात्य के चिंतकों ने बताया है कि समाचार एक गतिशील साहित्य है, समाचार में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसको गतिशील साहित्य कहते हैं। समाचार देखिए, जॉन बी बोगार्ट, इन्होंने ही कहा है जब कुत्ता आदमी को काटता है तो ये समाचार नहीं है, परंतु यदि कोई आदमी कुत्ते को काट ले तो वो समाचार होगा। ये जॉन बी बोगार्ट की परिभाषा है। वेस्टर्न वो है, चिंतक है, वेस्टर्न विचारक है। उसके बाद भारतीय चिंतकों ने भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं समाचार की, कि किसी नई घटना की सूचना ही समाचार है, किसी घटना का विचार जिससे जानने की अधिक लोगों की रुचि हो वो समाचार है। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है कि
एक बड़ा मास जिसको हम कहते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या जिसको जानने के लिए उत्सुक है, वो समाचार हो सकती है। जैसे घर का बनना समाचार नहीं, निर्माण की प्रक्रिया तो पॉजिटिव है, निर्माण की प्रक्रिया तो हमेशा होती रहती है। अगर किसी जगह पर घर बन गए, 10 घर बन जाए, 50 घर बन जाए, तो वो समाचार नहीं है, लेकिन किसी एक घर का जल जाना समाचार बन सकता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं किसी एक घर के जल जाने से, इसलिए वो समाचार है। और भी देखिए, मनुकोंडा चेनापति राव जी ने कहा है, समाचार की नवीनता इसी में है कि वो परिवर्तन की जानकारी दे। जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इसकी जो जानकारी यहाँ से मिलती है, वो सब समाचार कहलाती है। आप सारी परिभाषाओं को पढ़िए, सब चीज आपको एक ही बात, मतलब एक ही जगह पर सारे मुद्दे आपको मिलेंगे, सारी बातें एक ही मूल को रखकर, मतलब उसमें केंद्र में रखकर कही गई है। सबकी परिभाषाएं लगभग सेम है, बस भाषा बदल दी गई है, बस उसकी प्रस्तुति करना अलग है। अब समाचार की जो संरचना होती है वो कैसे होती है? हम कोई भी समाचार लिखते हैं, चाहे अगर हम न्यूज चैनल के लिए लिख रहे हो, अखबार के लिए लिख रहे हो, तो कैसे लिखते हैं? अगर आपने कोई उपन्यास पढ़ा होगा या फिर कोई किताब पढ़ते हैं, तो कहानी पहले शुरू होती है, तो शुरू में ही नहीं बता दिया जाता है कि अंत में क्या होगा, इस तरीके का प्रेडिक्शन आप नहीं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अंत में बताई जाती है, आखिरी के अध्याय में, साहित्य में या किसी कहानी में आखिरी आखिरी तक पहुंचते हुए पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है। लेकिन समाचार में ऐसा नहीं है, समाचार को 3 पार्ट में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन या निष्कर्ष या एंडिंग जिसको कहते हैं। इंट्रो में सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें बता दी जाती हैं, बॉडी में उसको व्याख्या किया जाता है, और निष्कर्ष में उसको समाप्ति के रूप में लिखा जाता है। कुछ जो इंट्रो होता है वो 30-40 शब्दों में हम लिखते हैं, 30 से 40 शब्द में हम बता देते हैं कि फलाने जगह पर, जो हमारे 5W और 1H, 5W 1H, हाँ, जो हमारे 6 ककार हैं, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, ये जो समाचार के जो तत्व है, इसकी जो हम जानकारी देते हैं, वो जानकारी जो 6 ककार है, देखिए, क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे, जिसको हम 5W 1H कहते हैं, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, कौन, हु, क्यों, व्हाई और कैसे, हाउ, ये 5W 1H का जो समाचार के 6 ककार हैं, ये जो 6 तत्व हैं, इसको हम इंट्रो में बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, क्या हुआ है, मतलब व्हाट का हम पहले जवाब देते हैं कि क्या हुआ, फिर हम कहाँ का जवाब देते हैं कि कहाँ हुआ, फिर ये जवाब देते हैं कि कब हुआ, फिर ये जवाब देते हैं किस घटना से जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं, फिर ये जवाब देते हैं कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन सारी चीजों को हम समाचार में, मतलब वो करते हैं, सम्मिलित करते हैं। जैसे एक घटना घटी कि उत्तर प्रदेश के औरैया में मजदूरों की एक ट्रक से टकरा गई और इतने सारे, बहुत 24 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसमें सबसे पहले हम ये घटना के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ, औरैया में एक ट्रक टकराई, ये क्या का जवाब है, कहाँ हुआ औरैया में, ये कहाँ का जवाब है कि कहाँ, जगह कौन सी थी, घटना स्थल कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश का औरैया जगह था। उसके बाद कब हुआ, अब इस घटना की भी जानकारी है, इसकी भी हमें जानकारी देनी पड़ती है कि आज सुबह या 13 मई की शाम को या 13 मई की सुबह को, जो घटना का टाइम होता है उसकी हम जानकारी देते हैं समाचार में, तो ये कब हुआ और कौन, मतलब इस घटना से जुड़े हुए लोग कौन कौन थे, कौन कौन लोग को इससे हानि पहुंची है, चाहे वो मजदूर थे या ट्रक ड्राइवर थे, इसकी भी जानकारी हमें देनी पड़ती है। और क्यों, मतलब क्यों टकराई, इसकी भी जानकारी हम समाचार पत्र में देते हैं, समाचार में देते हैं कि ड्राइवर नशे में था, ड्राइवर नींद में था, किसी भी गलती की वजह से उसने डिवाइडर के रूल को फॉलो, सॉरी, ट्रैफिक के रूल को फॉलो नहीं किया, किसी और धुन में था, कहीं और देख रहा था, इसकी भी जानकारी हम समाचार में देते हैं। उसके बाद कैसे की जानकारी हम देते हैं कि हाउ, कैसे कैसे इन सारी चीजों को देखा गया, कैसे क्या क्या उसको सुविधा मिली है सरकार की तरफ से, क्या क्या हेल्थ की जो चीजें हैं वो पहुंची है, इन सब चीजों की जो जानकारी हम देते हैं वो समाचार में हम देते हैं, जिसको हम 5W 1H कहते हैं। अब समाचार बनाने के योग्य तत्व, जिस घटना से एक बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा जो वर्ग है जिसको फर्क पड़ता होगा,
जिसके कारण से, जिसके प्रभाव से या जिसके परिणाम से एक बहुत बड़ी भीड़ को, एक बहुत मास को फर्क पड़ता होगा, वो सब समाचार में आता है। किसी का व्यक्तिगत मुद्दा समाचार नहीं बन सकता। अगर मेरा किसी से व्यक्तिगत मुद्दा है, मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है, तो उसको हम समाचार में नहीं रखेंगे। समाचार में एक जो बहुत बड़ा वर्ग है जिससे हमारी सोसाइटी को फर्क पड़ता हो, कम से कम हमारे गांव को, हमारे मोहल्ले को फर्क पड़ता हो, वो चीजें समाचार में आ सकती हैं। किसी का पर्सनल किसी से मुद्दा है तो वो चीजें समाचार में नहीं आएगी। इन सारी चीजों को हम समाचार जब बनाते हैं या जब लिखते हैं, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, इन सारी चीजों का उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद समाचार में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो है तथ्यात्मकता, मतलब तथ्य होना चाहिए, आपकी कल्पना नहीं होनी चाहिए दिमाग की। अगर आप बहुत ज्यादा काल्पनिक हैं तो आप लेख लिखिए, आप कहानियां लिखिए, समाचार मत लिखिए। समाचार में तथ्य का होना बहुत जरूरी होता है। जो घटना घटी हो, जिस घटना में सच्चाई हो, मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी सबसे पहला गुण है। उसके बाद है नवीनता, मतलब नयापन होना चाहिए। पुरानी पुरानी चीजों को लिखेंगे आप, पुरानी पुरानी चीजों को पेश करेंगे तो कौन पढ़ना चाहेगा। नयापन होना चाहिए समाचार में। उसके बाद जन रुचि, लोगों का इंटरेस्ट हो उसको पढ़ने में, एक बहुत बड़ा वर्ग उसको पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो, तभी जाके वो समाचार बन पाएगी। सामयिकता होनी चाहिए, मतलब करंट इशू से जुड़ा हुआ हो। जो कल घटित होती हैं वो समाचार पत्र के लिए सामयिक होती हैं। समाचार पत्र तो 12 घंटे के बाद खबरें प्रकाशित करता है ना, अब तक पहुंचाता है, तो उसके लिए एक दिन लेट की खबरें सामयिक होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आधे घंटे पहले घटी हुई खबरें सामयिक होती हैं। सोशल मीडिया के लिए तो सेकंडों में मामला उठ जाता है। तो वो सामयिक होनी चाहिए चीजें। और प्रभाव, इसका समाचार का जो प्रभाव है, उससे कितना बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, कितना बड़ा भूभाग प्रभावित हो रहा है। अगर आज आप टीवी खोलिए तो सारे मुद्दे गौण हैं, अगर आप सोशल मीडिया खोलिए तो सारे मुद्दे गायब हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना पे चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके प्रभाव में आज पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया के शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इसकी जद में नहीं हो। कुछ सवाल भी आए हैं, दीपा जी का मैसेज आया है, इन सारे सवालों का जवाब लास्ट में दिया जाएगा। तो समाचार लिखने में ये होना चाहिए कि आपको सारी चीजों की जानकारी हो, अपने आसपास की महत्वपूर्ण जानकारियां आप रखते हो, अपनी सोसाइटी की समझ हो, एक अनोखापन हो। फिर से अभी उस घटना को बताया गया है कि अगर कोई एक नेता या फिर कोई एक ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह ईमानदार है, वो समाचार नहीं है, क्योंकि ईमानदार तो मनुष्य की नीति है। ये हम अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला ईमानदार हो, लेकिन कोई अगर बेईमान है, भ्रष्ट है, तो ये समाचार हो सकता है। किसी के ईमानदारी की खबरें नहीं छापी जाती हैं, क्यों? क्योंकि ये तो मनुष्य का गुण है, ये मनुष्य में होना चाहिए। लेकिन जब कोई भ्रष्ट हो जाता है, कोई पतित हो जाता है, कोई बेईमान हो जाता है, तो उसकी खबरें छपती है, क्योंकि उससे ये अपेक्षा नहीं होती है कि वो हमारा अगर जनप्रतिनिधि है या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स है, तो वो बेईमान हो, इसकी हम उससे अपेक्षा नहीं रखते हैं। उसके बाद जो समाचार लेखन की प्रक्रिया होती है, वो उल्टा पिरामिड में लिखी जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, वो उल्टा पिरामिड आप देखिएगा, उल्टा पिरामिड जो शैली है, उसमें ऊपर वाली जो जगह होती है उसमें इंट्रो लिखा जाता है, उसके बाद बॉडी, उसके बाद सबसे नीचे लास्ट में निष्कर्ष और समापन। तो मुखड़ा, इंट्रो या लीड, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उल्टा पिरामिड में। उल्टा पिरामिड अगर आप बनाए तो ऐसे बनेगा, एक नीचे की तरफ का त्रिभुज। उस पिरामिड में, पिरामिड आप सब लोग जानते होंगे, मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, उसकी आकृति को देखा होगा कि ऐसे है वो, त्रिभुजाकार में, 3D त्रिभुजाकार में है वो, 4D जो उसके डायमेंशन है वो चारों बगल से है। तो उसी तरीके से जब हम समाचार लिखते हैं तो वो उल्टा पिरामिड होता है, वो ऐसे होता है, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा ऐसे त्रिभुजाकार होता है, सिकड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो ऊपर वाला चौड़ा वाला हिस्सा है, उसमें हम मुखड़ा, जो इंट्रो है हमारा समाचार का, जो लीड है, उसको लिखते हैं। ये 30 से 50 शब्दों में हम सारी चीजों की जानकारी इसमें दे देते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, मतलब 5W1H का जो हमारा जवाब होता है, वो हम ये 30 से 50 शब्दों में लीड में दे देते हैं। उसके बाद बॉडी लिखते हैं। बॉडी में जो हमने ऊपर में लिखा होता है, जो 5W1H का जवाब दिया दिया होता है, उसको हम विस्तृत में लिखने की कोशिश करते हैं। बॉडी में जो बीच का हिस्सा होता है समाचार के, उसमें हम बॉडी बनाते हैं, वो बॉडी का हिस्सा होता है। उसके बाद होता है निष्कर्ष और समापन, कि समाचार का समापन करते ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं कि नहीं,
एक तारतम्यता बनी होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हमने मुखड़ा लिखा है या फिर जो बॉडी लिखी है और जो समापन है, तीनों में एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से लिखा है या हमने नहीं लिखा है। इन सारी चीजों को हम अगर ध्यान में रखें तो हम बढ़िया समाचार लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। देखिए, हमारी शैली और हमारी भाषा, अगर समाचार आप लिख रहे हैं तो आपकी भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, अत्यंत आसान होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर समाज का जो सबसे आखिरी वर्ग का लोग है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी पढ़ता है, और न्यूज चैनल्स तो वो भी देखते हैं जो निरक्षर हैं। तो आपकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, इतनी आसान होनी चाहिए कि आखिरी आखिरी आदमी सोसाइटी का उस समाचार को समझ पाए, उसको सीख पाए, उसको पढ़ पाए। बहुत संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं लिखनी है, बहुत विद्वत वाली साहित्यिक भाषा नहीं लिखनी है। संचार की जो भाषा होती है बहुत आसान होती है। अगर आप अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, अपनी बात को सही तरीके से लिख पाते हैं, सही तरीके से बोल के समझा देते हैं, तो ये आपकी खूबी है, और इस तरह की खूबी आप में होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं तो, क्योंकि पत्रकार आखिरी लोगों की आवाज है। उसके बाद समाचार के बहुत प्रकार दिए गए हैं, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, स्थानीय समाचार, क्षेत्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उसके बाद विषय के हिसाब से दिए गए हैं कि राजनीतिक समाचार, अपराध समाचार, मतलब जिस भी विषय से जुड़ा हुआ है वो, जन समस्यात्मक समाचार, शैक्षिक समाचार, आर्थिक समाचार, विकास समाचार, ये सब समाचार के प्रकार हैं ये। और उसके बाद घटना के महत्व के आधार पर भी तीन प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार हैं, विशिष्ट समाचार और व्यापी समाचार। उसके बाद अपेक्षितता और अनपेक्षितता के आधार पर भी समाचार के प्रकार बताए गए हैं। डायरी समाचार, सनसनीखेज समाचार, महत्वपूर्ण के आधार, महत्वपूर्ण कितना महत्वपूर्ण है वो समाचार, उसके आधार पर बताया गया है। जैसे कोई भी खबर होती है वो कम महत्वपूर्ण होती है, अगर किसी इलाके की बत्ती चली गई है तो ये समाचार बनेगा, क्योंकि इससे एक बड़ी जनता प्रभावित है, लेकिन उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको राष्ट्रीय अखबार में खबर दिया जाए। लेकिन जब कभी दंगे की बात आती है, जब कभी भूकंप की बात आती है, जब कभी चक्रवात, आंधी, इस तरीके की बात आती है, तो बहुत महत्वपूर्ण समाचार होता है, उससे पूरा देश प्रभावित हो सकता है, इस वजह से उसको ज्यादा जगह दिया जाता है। अब चोरी की घटनाएं, ठगी की घटनाएं, पॉकेटमारी की घटनाएं, मार्केट की घटनाएं सामान्य है, ये तो डेली होता ही रहता है, तो इसके लिए कम जगह दिया जाता है। इस तरीके से वो महत्वपूर्ण कितना है, कितने ज्यादा लोग उससे प्रभावित होते हैं, इन सारी चीजों पे समाचार के प्रकार बताए गए हैं। तो आज हमने बातचीत किया ये तीन अध्यायों के बारे में, बाकी के तीन अध्याय हम कल की क्लास में देखेंगे। बहुत लंबी क्लास होगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा लोड में आपको, बहुत ज्यादा सूचनाओं का बोझ नहीं देना चाहता आपके ऊपर। धीरे धीरे से चीजों को सीखेंगे, आराम आराम से सीखेंगे तो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। फिलहाल आप सब लोग अपने घर में बने रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अभी अपने जीवन को बचाने का दौर है, दौर में बचे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए धन्यवाद, बाकी आगे की चीजें अभिषेक सर बताएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभान्वित हो, और विद्यार्थियों का लगातार मैसेज भी आ रहा है, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है सुनना आपको। तो निश्चित है, मैं विद्यार्थियों से वादा करता हूँ कि बाकी तीन इकाइयों को लेकर के हम बहुत जल्द ही किसी एक दिन शेड्यूल करेंगे और सर को आमंत्रित करेंगे कि वो बाकी तीन इकाइयों को कम्प्लीट करें। उससे पहले हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं, जो भी विद्यार्थियों के प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो सर के समक्ष रखने का, उनसे उत्तर पाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है, जो आपके प्रश्न हो आप लगातार चैट बॉक्स के माध्यम में अपने प्रश्न भी लिखते रहिए, तब तक हम जो कुछ दो तीन प्रश्न आए हैं सामने वो सर के सामने रखते हैं। हाँ सर, ये दीपा जी का मैसेज आया है कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं बहुत, लेकिन उसे भाषा में प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए इसके क्या कारण है? दीपा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि हमारे जो सोचने का तरीका होता है, हम बहुत सारी चीजों पर सोचते हैं लेकिन हमारी भाषा इतनी समृद्ध नहीं होती है जिससे हम उसको लिख कर बता सके या बोल कर बता सके, तो इसके लिए हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आना होगा, हमें अखबार पढ़ना होगा जिससे हमारी भाषा समृद्ध हो, हमें लगातार बोलकर किसी चीज को रखने की कोशिश करनी होगी, हमें, हमारे पास मोबाइल है, हम वहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बोली हुई चीजों को, हम अपना वीडियो बना सकते हैं। जब हम कैमरा फेस करेंगे अपने मोबाइल का, जो हमारा फ्रंट कैमरा होता है उसको अगर हम फेस करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमारी भाषा अच्छी हो। इसके लिए आपको लगातार अखबार पढ़ना होगा, लगातार जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हो
चाहे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो या बोलना चाहते हो, चाहे उड़िया में बोलना चाहते हो या फिर हिंदी में बोलना चाहते हो, आपको उस भाषा से संबंधित साहित्य पढ़ने होंगे। आपकी जो वो वोकेबुलरी है वो स्ट्रांग करना होगा। अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाती है, अगर आपको कैमरे के सामने आने में झिझक महसूस नहीं होती है, डरते नहीं है आप, तो आप अपने विचार को आराम से प्रकट कर सकते हैं, किसी भी पोडियम के सामने प्रकट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में खड़े होते हैं तो हमारा हाथ से पसीने आने लगते हैं, पैर से पसीना छूटने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इन सारी चीजों को सोचना नहीं है। अगर आप क्लास लेने कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं बोलना चाह रहे हैं, तो आप खड़े होकर बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप बोलेंगे नहीं, सबसे पहले भीड़ को फेस करने की नहीं सीखेंगे, तब तक कैसे अपने विचारों को रख पाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको काम है, आपको अपना काम जो करना है, वो है कि आपको अपनी भाषा मजबूत करनी चाहिए। आप अपनी भाषा को किताबों को पढ़कर मजबूत कर सकते हैं, फिल्मों को देखकर मजबूत कर सकते हैं। आपने पत्रकारिता लिया है, आपने मास कम्युनिकेशन की एक हिस्से को पढ़ा है, तो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके फिल्में देखिए। फिल्में देखना बेसिक का हिस्सा है, वो किसी भी भाषा में देख सकते हैं आप, इससे भी आपकी भाषा मजबूत होगी। आप साहित्य पढ़िए, आप रेगुलर अखबार तो पढ़िए ही। अगर आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं तो आप तो अखबार पढ़िए ही। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण टास्क होता है। इस काम को आप नियमित कीजिए, किसी विषय पर अच्छी जानकारी रखिए, और थोड़ा सा जो कैमरे की झिझक है, अगर आप कैमरे पे बोलना चाहते हो, उसको मिटाइए और चीजों को लिखिए, अपनी डायरी लिखिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए किसी विषय पे। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती जाएगी, तो अपनी चीजों को आप, अपने जो मन के विचार हैं, उसको आप आसानी से प्रकट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोशिश तो कीजिए, आप करके तो देखिए एक बार। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जी से और थैंक यू वगैरह भी लिखा है। नहीं अभी तो हाँ रश्मि एक प्रश्न और है मुझे आपसे। सरस्वती जी का क्या है? जी, पत्रकारिता को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है वो पूछना। हाँ, पत्रकारिता को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? रश्मि जी, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर कहा जाता है। ये हमारा जो लोकतंत्र चार खंभों पे टिका हुआ है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन खंभे हैं, तीन पिलर्स हैं। अगर लोकतंत्र हमारा एक छत है, तो उसके नीचे चार पिलर्स हैं, जिसमें एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका और चौथा है पत्रकारिता, चौथा है प्रेस मीडिया। इसलिए मीडिया को, ये रश्मि सतपथी जी के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर कहा जाता है। भवानी पटेल जी का मैसेज आया है, स्टिंग ऑपरेशन पत्रकारिता की किस कोटि में आता है? स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता में आता है। भवानी भाई, पत्रकारिता की जो सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा था, खोजी पत्रकारिता, जिसमें आपके अंदर एक कीड़ा होता है किसी चीज को जानने का, किसी मुद्दे पर अपने आप को रिस्क में रखकर, अपने आप को जोखिम में डालकर ऑपरेशन करने का जो एक कीड़ा होता है, एक जो जज्बा जोश होता है, उसमें उसके तहत हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। ये खोजी पत्रकारिता में आता है। पत्रकारिता का सबसे पहला प्रकार आप देखिए किताब में, दूसरे चैप्टर में आपको मिल जाएगा, खोजी पत्रकारिता, उसमें स्टिंग ऑपरेशन आता है। बहुत सारे हमारे ऐसे पत्रकार हुए हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में माहिर थे। अपराध पत्रकारिता में ज्यादातर स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, तो उसको हम अपराध पत्रकारिता में भी रख सकते हैं। और कोई सवाल, और भी किसी तरह के सवाल हो आपके? हाँ देखिए, जैसे खोजी पत्रकारिता है भवानी जी, खोजी पत्रकारिता वो है जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले, जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। ये खोजी पत्रकारिता का हिस्सा है। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें वाटरगेट कांड है, पेंटागन पेपर्स वाले कांड है, बोफोर्स कांड है, ताबूत घोटाला कांड है, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, आदर्श घोटाला हुआ था, ये सब स्टिंग ऑपरेशन के तहत आए थे, और ये खोजी पत्रकारिता का एक प्रकार है। जी अभिषेक सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी और कोई अगर प्रश्न हो तो आप, चूंकि समय भी लगभग क्लास का हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए जो भी प्रश्न है आप सीधे तौर पर थोड़ा जल्दी लिख करके, अगर लिखने में आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे सीधे तौर पर भी अपने प्रश्न विशेषज्ञ के सामने रख सकते हैं, तो जी सर, आप वहां लोग के भी। प्रश्न का स्वागत है। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को सामने
रखेंगे नहीं तब तक भाषा कैसे समृद्ध होगी, तब तक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो किसी भी क्लास में जहां आप जाते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, प्रश्न करना सीखिए। और एक पत्रकार का सबसे बड़ा काम होता है प्रश्न करना, प्रश्न उठाना। आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, अगर आप प्रश्न नहीं आप प्रश्न नहीं करेंगे तो कौन प्रश्न करेगा, कौन सवाल उठाएगा, कौन मुद्दे उठाएगा। तो किसी भी तरीके का सवाल हो आप रख लीजिए लिखकर, अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। अगर अभी चीजें नहीं आ रही हैं दिमाग में, एकाएक से नहीं आ पा रही हैं, तो अगले क्लास में हम बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी अभिषेक भाई सर, जी, मैं एक प्रश्न तो नहीं, बस एक नॉर्मल एक जिज्ञासा के तौर पे एक कुछ बिंदु आपके सामने रखने का काम करूंगा, मैं रख रहा हूँ। उस पर मैं आपकी थोड़ी सी टिप्पणी चाहूंगा। जैसे अंत में जिसमें हमारी वार्ता हो रही थी, आप जिसमें लेक्चर दे रहे थे, अंत में एक आपने बात कही कि जो जो समाचार है वो उस समाज के अंतिम वर्ग तक या उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, सरल शब्दों को, ज्यादा क्लिष्ट शब्दों भाषा को यूज नहीं, हाँ भाषा बहुत सरल स्पष्ट और जी सुव्यवस्थित तौर पर होनी चाहिए। उसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में जी आजकल तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स आ गए हैं, बहुत सारे समाचार पत्र आ गए। उस दिन हाल फिलहाल में आपने भी एक देखा होगा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी चल पड़ा था, किसी कई सारे लोकल न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, ठीक है, भाषा सरल उनकी रहती है, लेकिन कई बार ये भी होता है ना, न्यूज जैसा मैंने हाल फिलहाल में आपने से कहीं व्हाट्सएप में मैंने एक बार जोक पढ़ा था कि एक न्यूज़पेपर में ये एक कॉलम में निकला था कि शिल्पा शेट्टी ने अपने घर के गार्डन में जो बैगन उगाए थे उसको सब्जी बना करके खाया। ठीक है, उसके जी जी उसके शब्द बहुत सरल थे, आम अंतिम आदमी व्यक्ति को तो भी समझ में आएगा, लेकिन क्या इन सब चीजों को समाचार पत्र पत्रिका में जगह देने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा आसान होनी चाहिए, मुद्दे इतने वो नहीं होने चाहिए कि कुछ भी छाप दिया आपने किसी। अब आजकल हर एक घर से समाचार पत्र निकल रहा, हर एक आदमी संपादक है, तो किसी के पास कोई खबर नहीं होती है तो वो शिल्पा शेट्टी पे खबरें निकाल रहा है, कोई जो मनोरंजन की चीजें हैं उन सारी चीजों को खबर वो दे रहा है। तो भाषा सरल होनी चाहिए, मुद्दा आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए, मुद्दा विशेष होना चाहिए, आपकी जो भाषा सहज होगी। अब शिल्पा शेट्टी ने बैगन उगाया, इसको आप इसने सहज भाषा में तो थी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने बैंगन उगाया है या फिर गोभी गोभी उगाई है। तो आपका जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिससे एक बड़ा समुदाय उससे जुड़ पाए। उसके बाद आपकी भाषा सरल होनी चाहिए जिससे लोगों को समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस जो कठिन भाषा में अगर हम लिखें तो उसको आम जनता समझ नहीं पाएगी। तो हमें मुद्दा खुद भी चुनना है, हम पत्रकार हैं, हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम कौन से ऐसे मुद्दे उठाएं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे सोसाइटी के लिए, और उसके बाद आसान भाषा में उसको पेश करें। जी जी निश्चित रूप जी से। अभिषेक, एक विद्यार्थी ने और एक प्रश्न किया, वो लिखते हैं वर्तमान समय में साहित्यिक पत्रिका किस तरह से अपना लेख प्रकाश करे। आशीष कुमार जी ने प्रश्न लिखा है। आशीष कुमार जी का शायद मेरे ख्याल से ये प्रश्न है कि वो अपनी जो लेख है उसको साहित्यिक पत्रकारिता पत्रिकाओं में कैसे प्रकाशित करें। हाँ, हाँ आशीष कुमार जी साहित्यिक लेखक हैं, वो चाहते हैं कि जो पत्रिकाएं निकलती हैं वो उनके लेख को प्रकाशित करें अपने उसमें। तो सबसे पहले देखना होगा आशीष जी कि जो पत्रिका निकलती है वो किस विचारधारा की पत्रिका है या किस तरह की चीजों को वो ज्यादा जगह देती है। अगर आप कहानियां लिखते हैं, अगर आपकी कहानियां समाज से जुड़ी हुई हैं, साहित्यिक कहानियां हैं, हिंदी में कहानियां लिखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी मैगजीन है, नया ज्ञान होता है, हंस है, कथा देश है, इतने सारे आजकल पत्रिका निकलती है, आह जिंदगी निकलती है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप उसमें ईमेल उनका प्राप्त कीजिए, उनके संपादकों से कांटेक्ट कीजिए, उनको लगातार अपनी रचनाएं भेजते रहिए। अगर आप कविता लिखते हैं तो कविताओं से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं उसमें आप अपनी कविताएं भेजिए। व्यंग्य लिखते हैं तो व्यंग्य से सिर्फ और सिर्फ व्यंग्य से संबंधित बहुत सारे पत्रिकाएं हैं उसमें भेजिए, और छपेंगी अगर आपकी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। पहले शुरू में तो रिजेक्शन होगा, जरूरी नहीं है कि आपकी पहली कहानी ही छप जाए। पहले पहले आपकी रचनाओं को हो सकता है साइड में रख दिया जाए, आपकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया जाए। तो इससे घबराना नहीं है, इससे निराश नहीं होना है, आप लिखते रहिए, अपने आप को मांझते रहिए। अगर आपकी चीजें अच्छी होंगी, उनको पसंद आएंगी तो बिल्कुल छपेगा। और आपके पास सोशल मीडिया है, अगर आप कहानियां लिखते हैं, अगर आप कविताएं लिखते हैं तो सोशल मीडिया पे लिखिए। सोशल मीडिया पे आज अच्छे खासे पाठक मिल जाते हैं। एक आप ब्लॉग पे लिख सकते हैं, फिर धीरे धीरे अगर आप अपनी जगह बना लेंगे उसके बाद तो पत्रिकाएं आपको खोज कर छापेंगी, आपके फेसबुक
वॉल से कट करके पेस्ट कर लिया जाएगा पत्रिकाओं में। इसके लिए आप चिंतित ना होइए, बस लिखते जाइए और पढ़ते जाइए अपनी भाषा को, अपने जो अपना जो आपका वो है ब्रेन है, आपकी जो व्यापकता है किसी विषय को समझने की, उसको विशाल कीजिए। उसके बाद पत्रिकाएं आपको खोजेंगी। बाकी आप पत्रिकाओं के ईमेल को प्राप्त कीजिए, उसके संपादकों से कांटेक्ट कीजिए और उनको अपनी रचनाएं लगातार भेजते रहिए, निश्चित एक ना एक दिन छपेंगी। आपको शुभकामनाएं आशीष जी। आशीष जी, आप और एक काम भी कर सकते हैं कि यूजीसी के जो जर्नल्स की लिस्ट होती है, यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर आप वहां से भी उठा सकते हो। वहाँ ये बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं रहती है, अलग अलग विषय से संबंधित, हिंदी विषय से या अलग अलग, हर भाषा की अपनी पत्रिकाएं रहती है, हर विषय की अपनी पत्रिका है। तो वहां से भी आप एक सूचीबद्ध तैयार करके उनसे भी आप ईमेल अथवा दूरभाषा के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसके उपरांत किन्हीं विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न हो तो वो जल्दी जल्दी अपने प्रश्न रखें, अन्यथा चूंकि समय भी हो गया, समय ज्यादा ही हो गया, तो हम आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करें। किन्हीं विद्यार्थियों का कुछ प्रश्न हो तो झटपट अपने प्रश्न रखें, अपने माइक को अनम्यूट करके भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जितने भी छात्र हैं, जाते जाते मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, चाहे लिखकर हो, बोलकर हो, वीडियो बनाकर हो, ब्लॉग लिखकर हो, ब्लॉग बनाकर हो, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी भाषा को मजबूत कीजिए। ये सारी चीजें जब तक नहीं आएंगी हम में आप में, तब तक एक पत्रकारिता का छात्र होकर हम कुछ बहुत ज्यादा फिर वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप अपने लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए, और उससे भी महत्वपूर्ण है अधिक से अधिक पढ़िए। और एक सवाल जी ना, जी नहीं, सर, सवाल एक जी सर, विद्यार्थियों का। चलिए इसी के जी साथ विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया, क्योंकि जैसे मैं हमेशा हर कक्षा में कहता हूँ कि कोई भी कक्षा बिना विद्यार्थियों के पूर्ण नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा धन्यवाद विद्यार्थियों को कि विद्यार्थियों ने सहभागिता की और इस कक्षा को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के हमारे विषय विशेषज्ञ अमन जी को कि उन्होंने अपना समय दिया, अपना समय निकाला और आप समझ के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, मेरे विश्वविद्यालय की ओर से। मैं अपनी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि लगातार सुबह से अब तक हमारे साथ बने हुए। तो देवाशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, अमन जी के साथ। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, अमन जी आपका। धन्यवाद। जी सर, आपका भी बहुत धन्यवाद अभिषेक सर, और जितने भी छात्र हमसे जुड़े हैं उन सबों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो फिर हम आगे भी जुड़ेंगे, आगे भी बातचीत होगी। तब तक सुरक्षित रहिए। धन्यवाद अमन, तुम अपने फोन को वहां से कट कर सकते हो, क्लास चूंकि समाप्त हुई।